hello everyone as you all know this is Niharika Tiwari so guys we are back with new video series and this series is related to पी वाई क्यू और आई कैन से करेंट ईयर क्वेश्चन पेपर विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड सो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर दोनों जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं रिलेटेड टू योर बी बी ए बी कॉम सब्जेक्ट्स ठीक है चाहे वो बिजनेस ऑर्गनाइजेशन हो कम्यूनिकेशन हो वगैरह वगैरह तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन इस पूरी सीरीज़ में राइट गाइज सो इस सीरीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्यों है वो आगे डिस्कस करेंगे सो so वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप न्यू हैं और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट जरूर विजिट करिए गाइस उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको कंटेंट जो है वो मिल जाएगा स्टडी करने के लिए सो आप पे जाके जरूर चेकआउट करेंगे ठीक है लिंक है डिस्क्रिप्शन में बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप एस सो विदाउट एनी फर्दर डी लेट्स दिस वीडियो सीरीज तो नाउ गाइस इन दिस वीडियो सीरीज इसका बेनिफिट क्या होगा सबसे पहले तो कोई भी सीरीज अगर आप फॉलो करेंगे तो उसका आप जानना चाहेंगे कि फ़ायदा क्या है क्यों हम इस सीरीज़ को देखें तो so पहला तो है गाइस देखिए अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो वो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के हों जहाँ वो क्वेश्चन पूछे गए हों और सब्जेक्ट सबके सेम तो पहला फ़ायदा जो आपको देखने को मिलता है वो होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्विक रिवीजन हो जाता है क्योंकि वो लोग भी अगर इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट कंसीडर कर रहे हैं या ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं हर एक कॉलेज एग्जाम में तो आपके एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस हैं ठीक है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का अच्छे से रिवीजन हो जाता है एक बार पेपर देख लो समझ लो हो गया ठीक है ओवरव्यू दे देता है आपको कि कैसे अटेम्प्ट करना कैसे लिखना मैं जैसे भी आपको पढ़ाऊंगी क्वेश्चन पेपर मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं रीड करूंगी कैसे लिखना है उसका आंसर कैसे लिख सकते हो कैसे प्रेजेंट कर सकते हो वो सब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको इस पूरी सीरीज में कवर अप करने को मिलेंगी ठीक है दूसरे से क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आप एग्जाम में बैठने से पहले आपने अगर ये इस तरीके की तैयारी कर रखी है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे हैं है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा टाइम मैनेजमेंट को लेके क्वेश्चन कैसे लिखने हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करने इन सारी चीज़ों को लेके ठीक है तो ये सीरीज इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्विंग सीरीज जो है उसमें हम करने के वाले हैं तो ये आप देख पा रहे हो ना ये क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा क्लिप है जो आपको ये बता रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे आज हम टू जो कि ईयर चल रहा है करंट इस तरह क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला था मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों ने ही डाला है आप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं इस पूरे पेपर को पहले कि इसका है पैटर्न क्या और आप रिलेट करना आपके से कितना मैच हो रहा है देन हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन में विजिबल होगा तो ये बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है चाहे बीकॉम हो चाहे बीबीए हो ठीक है पेपर तो ऐसे ही आएगा तो दोनों में अगर ये सब्जेक्ट है ऑफ कोर्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टाइम देखिए टू आवर्स है ठीक है दो घंटे में पेपर सॉल्व करना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैक्सिमम मार्क्स सेवेंटी फाइव है ठीक है so, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके में भी ऐसे है या नहीं है ये बताना कमेंट में हर कॉलेज में हो सकता है अलग से खाली लॉन्ग ही पूछा जाए या कुछ भी हो पैटर्न तो पहला है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें से आपको क्या दिया गया कि पांच क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है टू स्क्रीन विजिबल होगी ठीक है हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है टू फाइव क्वेश्चन है दो नंबर के तो टोटल ये कितना है दस नंबर का ये पूरा सेक्शन है जो आपसे पूछ रहा है वेरी शॉर्ट आंसर ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है गाइस ठीक है क्यों क्योंकि आपको लिखना कम होता है और थोड़ा भी लिख दोगे ना मान लो कुछ भी नहीं आता उसको थोड़ा भी अगर आपने अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखना है, तब भी टीचर आपको एक आधा नंबर दे ही देता है तो ऐसा नहीं कि ब्लैंक छोड़ के आओ कुछ नहीं आ रहा जितना भी थोड़ा वो रिलेट कर पा रहे हो वो लिख के जरूर आओ एग्जाम में ठीक है 50 मार्क 50 वर्ड्स से ज्यादा आपको यहाँ पे लिखना नहीं है ठीक है फिफ्टी वर्ड्स लिमिट है तो देखिए पहला क्वेश्चन पे क्या दिया है कि व्हाट इज टर्शरी इंडस्ट्री टर्शरी इंडस्ट्री दैट इज तीय उद्योग क्या है ठीक है तो हम हिंदी में तो नहीं हम इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं तो हम टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे कि ये इसकी मीनिंग क्या है ठीक है और इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरा अगर क्वेश्चन आप देखना चाहो तो इस तरीके से है कि व्हाट डू यू मैन बाय कोपरेटिव सोसाइटी ठीक है देन तीसरा जो क्वेश्चन इसी सेक्शन में दो नंबर में दिया है कि वॉट बाय प्लांट लोकेशन सॉरी प्लांट लेआउट नॉट प्लांट लोकेशन प्लांट लोकेशन से भी पूछ सकता है तो एक मिल जाएगा आपको कि हो सकता है आपके एग्जाम में प्लांट प्लांट लोकेशन लोकेशन आ जाए तो लेआउट सब पढ़ के जाना बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है और वन पर्सन कंपनी क्या है ठीक है इसमें कोई चॉइस नहीं दी है कि, कितने आइटम करने हैं यहाँ पे जितने हैं आपको पांच करने हैं या है पांच ही क्वेश्चन है भी इसमें इस पूरे इसमें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको के के हैं हैं। और करने। है तो तो इन सब आंसर हम पे करेंगे। तो चले, देखते हैं। तो back to our series. So, पहला सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन क्या था वो था सेक्टर क्या होता है सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री क्या है? सेक्टर कह लो हमने प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्स पढ़ा था तो मैं एक एक तो नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर आपको डीप में देखना जाके मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाली सीरीज फॉलो करो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसको भी फॉलो कर सकते हो ठीक है अभी हम यहाँ पे इसी पे फोकस करेंगे जो मेरे पेपर मिले में तो टर्स्ट्री इंडस्ट्री क्या होती है टर्स्ट्री इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें सर्विसेज आती हैं मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती है जैसे प्राइमरी था सेकेंडरी था वो क्या है वो कहीं कही ना कहीं गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे प्राइमरी गुड प्रोड्यूस कर रहा था और फिर जो वही वो गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहा था रॉ मेटेरियल उसी को ही क्या थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग वाला काम सेकेंडरी कर रहा था फिनिश प्रोड्यूस कर रहा था टर्स क्या है ये गुड्स के उससे नहीं डील करता ये सर्विसेज से डील करता मतलब ये सर्विस इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर आएंगे लाइक हॉस्पिटैलिटी फाइनेंस एजुकेशन हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट ठीक है टर्स्ट्री एक्टिविटीज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंट एक्सपर्टीज एंड कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर एंड बिजनेस मतलब टर्स एक्टिविटीज का एस्टें काम क्या है कि ये आपको सहायता सुविधा दें ठीक है जैसे कि कोई एक्सपर्टीज चाहिए आपको कोई असिस्टेंस चाहिए किसी चीज से फाइनेंस है उसमें आपको हेल्प चाहिए वो आपको ये इंडस्ट्री देती है ठीक है या पे फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे तो मतलब ये अपनी सर्विस दे रहे हैं आप कोई गुड्स प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं ये आपको अपनी सर्विस बेच रहे हैं एजुकेशन है कॉलेज है इंस्टीट्यूशन ये सब क्या दे रहे हैं आपको एजुकेशन दे रही है ये भी एक सर्विस है ठीक तो है तो इस तरीके की असिस्टेंट एक्सपर्टीज कन्वीनियंस देते हैं ये कंज्यूमर और बिजनेस को बिजनेस को भी और कंज्यूमर दोनों को अपनी सर्विस बेस्ड आप कहीं इस पार जाते हो वहां पे वो आपको सर्विस दे, तो आप तो दे रहे हैं तो वो क्या टर्स्ट्री इंडस्ट्री का पार्ट है ठीक है उस एस्पेक्ट्स आप देखो वो टर्स्ट्री इंडस्ट्री का पार्ट है एज वो आपको सर्विस दे रहे हैं सलोन की सर्विसेज दे रहे हैं या फाइनेंस की सर्विसेज ले रहे हो लॉयर से उसकी एडवाइस ले रहे हो तो वो सब चीज़ें सर्विस इंडस्ट्री में आएंगी तो इट इज टर्स्ट्री इंडस्ट्री टर्स्ट्री इंडस्ट्री इक्वल टू सर्विस इंडस्ट्री मीनस द इंडस्ट्री डेट प्रोवाइड सर्विस और सपोर्ट्स टू द कंज्यूमर एंड बिजनेस इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स ठीक है तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन उसको तो इस तरीके से फिफ्टी वर्ड्स में लिख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट करो पेन से ताकि वो और रिप्रेजेंटिंग लगे कि आप बता क्या रहे हो ठीक है नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट था कि कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होता है तो देखो कॉपरेटिव सोसाइटी क्या है इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर हमने कॉपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा आते हैं ठीक है वॉलेंट्री आते हैं मतलब ऐसा नहीं कोई दबाव से खींच लेके लेके आता है उनको अपनी इच्छा से वॉल्ट्री एक साथ आते हैं और क्यों आते हैं ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाए अपने एक दूसरे के वेलफेयर के लिए ठीक तो है कॉपरेटिव सोसाइटी ऑफ फॉर्म बाय द पीपल हु टीम अप टू सेव गार्ड देर इकोनॉमिक जैसे आपका मोहल्ला है आपके मोहल्ले में आपको पता है कि जो भी लोग सामान यहाँ बेच रहे हैं वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करें जो मार्केट में नहीं है ऐसे यहाँ पे दुकानें नहीं है तो आपको वहां लेना पड़ रहा है तो आप लोगों ने क्या किया मोहल्ले के ही पाँच छः लोग एक साथ जुड़ गए आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा और सामान को बल्क में वहाँ से बाहर से ले आए और अब एक दूसरे को मतलब एक दुकान खोली और सबको मेम्बर्स को बेच रहे हो उसका सामान ठीक है और जोड़ा बहुत जो, जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपस में बांट ले रहे हो तो इस तरीके की सोसाइटी को हम क्या कहते हैं कोऑपरेटि सोसाइटी इस तरीके से बहुत सारी सोसाइटी बन सकती है फार्मर्स छोटे छोटे फार्मर्स मिल अपनी बना सकते हैं छोटे छोटे कंज्यूमर मिल अपनी बना सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती है अमूल जो है तो आप मिल्क ब्रांड है वो भी एक ऑपरेटिव सोसाइटी का ही पार्ट है ठीक है बहुत सारे जो 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 मिल्क 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 फार्मर्स वो वो ला ला के, uh, जो है, वो ला ला के के मैन कंट्रीब्यूट करते हैं फिर वो बेचा जाता है तो उस तरीके से ये लोग इसीलिए कर, लो कर रहे हैं ताकि अपने आप को मिडिल मैन से बचा पाए ठीक uh, है मिडिल मैन जैसे है बीच में वो उनके गुड्स को जाके बेच रहा है तो वो ज़्यादा ज़्यादा कमीशन अपने जोड़ेगा बट ये डायरेक्टली डील कर ले रहे हैं ये मार्केट में एक दूसरे के साथ तो वो ज़्यादा सही रहेगा ठीक है ठीके? तो कॉपरेटिव सोसाइटी बेसिकली अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है कि मेंबर्स का बेनिफिट हो कंज्यूमर सोसाइटी में कंज्यूमर एक दूसरे को मैंबर्स बनकर कंज्यूम कर सकते हैं उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को बाकी अगर फार्मर्स हैं तो वो आपस में मिलके प्रोडक्ट को बनाएंगे एक साथ मशीन एक साथ शेयर करेंगे प्रोड्यूस करेंगे फिर जाके खुद ही मार्केट में बेचेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमा पाए तो ये कॉपरेटिव सोसाइटी बेसिकली वॉलेंट्री एसोसिएशन है मतलब कोई तीन चार पॉइंट रखना और उसको हाईलाइट करके आना एग्जाम में पहला तो वॉलेंट्री एसोसिएशन है खुद की इच्छा से लोग आते हैं क्यों आते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ये याद रखना मोटिव क्या है वेलफेयर ऑफ मेंबर प्रॉफिट कमाना नहीं है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ठीक है और ये याद रख सकते हो एग्जाम्पल लिख देना फार्मर्स लिख दो कंज्यूमर लिख दो जो जो आपको लग रही है वो वो कॉपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स लिख दो ठीक है ये दो तीन चीजें आपको हाईलाइट करनी है और ये सोसाइटी एक्ट जो है उसके तहत रजिस्टर होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि अपने आप बना के बस काम कर रहे हो रजिस्टर करवाना पड़ा ठीक है नेक्स्ट है प्लांट लेआउट था कि प्लांट लेआउट क्या होता है हमने पढ़ा था ना प्लांट लेआउट के बारे में इससे पहले वाले वीडियो एक काम करना इसके मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो थी वो भी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में और उसको भी चेकआउट करो ठीक है तो so, यहाँ पे प्लांट लेआउट क्या है प्लांट लेआउट रिफर्स टू तो द अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वर्क स्टेशन एंड अदर रिसोर्सेज विद इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखो प्लांट लेआउट क्या है जैसे अपना घर बनवाते हो ना तो घर में जैसे प्लॉट ले लिया किचन कहाँ पे होगा वॉशरूम कहाँ पे होगा कमरे कहाँ पे होंगे उस तरीके के पूरा तैयार करते हो ना ढांचा तैयार करते हो ना कि कहाँ क्या होगा वही होता है प्लांट लेआउट प्लांट मतलब क्या है प्लांट एक तरीके की जब एक आप इस्टेब्लिश करने वाले हो फैक्ट्री डालने वाले हो तो फैक्ट्री में हर चीज़ कहाँ पे होगी फैक्ट्री के कमरे कहाँ होंगे फैक्ट्री में सामान मशीनें कहाँ रखी जाएंगी वर्कर्स की बैठी की जगह कहाँ होंगी वॉशरूम्स कहाँ होंगे स्टेयर्स कैसे जाएंगे ये सारी चीज़ें जब डिफाइन कर लेते हो ना कि जिसमें कैसे मैनेजमेंट होगा चीज़ों का मतलब कि मशीनरी का अरेंजमेंट कैसे होगा

देने की जरूरत पड़ जाती है या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने वालों को इमरजेंसी होगी तो भाई जाने में में ही इंसान चला गया तो वो नहीं होना चाहिए उसी तरीके से फैक्ट्री का भी अरेंजमेंट ऐसा ही आपको लेआउट बनाना है कि आराम से लोग और तो सामान मूव कर पाए भाई लोगों को लेबर को ऐसा ना हो कि मटेरियल ऊपर है लेबर को जाने जाने ले में इतनी दिहाड़ी आपको देनी पड़ जा रही है आराम से सामान पास में लोग पास में उसको यूज करें जिससे काम भी एस, एफिशेंसी भी बढ़ रही है मतलब तो तेजी से काम हो रहा है वर्कर भी अपना अच्छा दे पा रहे हैं सेफ्टी भी है ऐसा नहीं किसी को चोट लग रही है टकराए जा रहे हैं ऐसे अपने अरेंजमेंट किया है वो नहीं ठीक है तो ऐसा अरेंजमेंट होना है जिससे वर्क आराम से हो जाए और कोई भी हर्डल्स ना आए और स्मूथ ऑपरेशन हो तो प्लांट लेआउट बेसिकली क्या है कि अरेंजमेंट कैसा हो मशीनरी का इक्विपमेंट का वर्क स्टेशन का बाकी रिसोर्सेज का एक एक लेआउट में ठीक है एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है देखो बिजनेस है और कंबाइन कर रहे हैं इसका मतलब जब दो दो से ज्यादा बिजनेस आपस में कंबाइन कर जाते हैं एक यूनिट बनाने के लिए एक एंटिटी बनाने के लिए उसे लिए कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन इसीलिए कहते हैं ना कि एग्जाम में कुछ ना भी है तो भी लिख के आओ क्यों क्योंकि जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं आता मैं इसको छोड़ आऊंगा अरे भाई पढ़ो तो कॉम्बिनेशन है बिजनेस का कॉम्बिनेशन मतलब कि बिजनेस कंबाइन हो रहे हैं यही लिख दोगे ना तब भी कुछ मिल जाएगा ठीक है एग्जाम्पल के साथ तो अकर मैन टू और मोर सेपरेट बिजनेस दो या दो से ज़्यादा अलग, अलग अलग बिजनेस या एंटिटीज एक साथ आती हैं वो एक सिंगल एंटिटी फॉर्म करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन दिस कैन है थ्रू मर्जर एक्विजिशन देखो आपस में आके मर्ज कर दो जैसे आप हो और आपके बगल वाला बिजनेस है कपड़े की दोनों की दुकान है आपस में क्या कर लिया मर्ज कर लिया एक बन गए या आपके पास ज़्यादा पैसा उसको छोटा बिजनेस है आपने उसको एक्वायर कर लिया देख रहे हो चल नहीं पा रहा उसको जरूरत थी कि भाई कोई मुझे खरीद ही लिया आपने उसको खरीद लिया आपने जोड़ लिया तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो कंबाइन कर सकते हो मर्जर के थ्रू एक्विजिशन के थ्रू या दूसरे अरेंजमेंट के थ्रू जिससे आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए द गोल इज ऑफन टू क्रिएट एनर्जी एक्सपैंड मार्केट रिसर्च एंड एनहेंस कॉम्पिटिट भाई गोल क्या है गोल यही है कि ऐसी कॉम्बिनेशन और ऑपरेशन लाओ कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ कॉपरेशन हो सारी दोनों बिजनेस का बूस्ट हो जाए एक साथ आओगे तो आप बेस्ट दे पाओगे बेटर दे पाओगे मार्केट में फैल पाओगे आसानी से ठीक है मार्केट रीच बढ़ा पाओगे एक से भले दो ठीक है दो मिलके आपस में और ज्यादा एक्सपेंड कर पाओगे मार्केट में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सकती मान लो वो बिजनेस जो आपके साथ था वो आपको कॉम्पिटिशन दे रहा था अब आप दोनों आपस में मर्ज हो गए एक साथ आ गए तो आप दूसरे बड़े बिजनेस को कॉम्पिटिशन दे सकते हो एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो सकती है मोनोपली बना सकते हो जो कि सही नहीं है बट हाँ अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में सिर्फ दो ही हैं दुकानें और आप दोनों मर्ज करके मन चाहे रेट पे बेच सकते हो तो वो भी हो सकता है बट वो लॉन्ग रन में अच्छी चीज़ नहीं है एज आप कस्टमर के एक्सप्लाटेशन करने लग जाते है। ठीक है तो ये था बिजनेस कॉम्बिनेशन और इसका लास्ट जो था आपका वेरी शॉर्ट का वो था वन परसेंट

So it is a type of जितने भी शेयर है ऑल द शेयर कौन होल्ड करता है मतलब वही पर्सन क्या है उसका ओनर है और वही पर्सन उसको मैनेज कर रहा है वही पर्सन उसको क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है इस अलावा सिंगल अंटरप्रन टू ऑपरेट अटी प्रोवाइडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी वाल में बिजनेस की लाइबिलिटी इसमें क्या है लिमिटेड है और पूरे बिजनेस में उसका क्या है फुल कंट्रोल है तो इस तरीके की कंपनी क्या कहलाती है वन पर्सन कंपनी जहाँ पे एक सिंगल पर्सन पूरे कंपनी को होल्ड कर रहा है शेयर कर रहा है सारे होल्ड करा है सारे शेयर और कंट्रोल कर रहा है पूरी कंपनी को लाइबिलिटी लिमिटेड है जितना उसका शेयर है उतने तक की लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड है पूरा कंट्रोल है उसके बिजनेस में इसके अलावा लिख सकते हो सीक्रेसी है भाई उसको सारी चीज़ें अपने तक रखने की है कॉन्फ्लिक्स नहीं होंगे ये सब अगर उनको लग रहा है ना आपको लग रहा है कि मेरे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो बढ़ा दो ठीक है एडवांटेज डालो आपको भी पता है वन पर्सन एक पर्सन चला रहा है तो लड़ाई झगड़े होंगे नहीं एक अकेले सुकून से काम करेगा ठीक है दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे फुल कंट्रोल है आपका मनचाही चीजें आप कर सकते हो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो बिजनेस को रन कर सकते हो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है लाइबिलिटी लिमिटेड है ये फायदा है आपके पास तो इस तरीके से आप आगे चीजें लिख सकते हो तो ये वाला क्या था ये था आपका पहला सेक्शन जो हमने देखा था वेरी शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट में आपको देखिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि ये सिर्फ दो नंबर का है दो नंबर में बस आप अच्छा सा कंटेंट लिखो जो फिफ्टी वर्ड्स के अंदर हो मैक्सिमम लेके जाओ फोर्टी फोर्टी फाइव वर्ड्स ले जाओ फिफ्टी ले से लेसे मतलब बीस दस बीस भी मत लिखो क्योंकि फिर होता है ना कि कुछ बच्चे और अच्छा सा लिख देते हैं तो उनको टीचर ज्यादा नंबर दे फिर आप बोलते हैं उनको क्यों दिए मुझे कम क्यों दिए फिर वो यही कहते हैं कि उन्होंने अच्छा लिखा है और ज्यादा लिखा है तो ठीक है थोड़ा बहुत अपना लिखो अच्छे से हाईलाइट करो हाईलाइट करो हाईलाइट करने से उनको लगता है कि ये अच्छे से पढ़ के आए तभी पता है कि की पॉइंट क्या है तो की पॉइंट जो मैंने बताया ना जैसे कॉपरेटिव है वॉलेंट्री एसोसिएशन खुद के वेलफेयर के लिए ठीक है ये सारी चीज़ें ये सब की पॉइंट है इंडस्ट्री में आपके की सर्विस देता है सर्विस वर्ल्ड हाईलाइट करना एक की पॉइंट है एग्जाम्पल की पॉइंट है तो ये लिख के आओ प्लान लेआउट में इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फिर एडवांटेज हाईलाइट कर दो कॉम्बिनेशन में भी टू और मोर सेपरेट बिजनेस कम टुगेदर ये हाईलाइट करके आओ

है तो सौ से ज्यादा नहीं तो इसमें ये मान के चलो कि वहां जितना लिखा है आपने पचास वर्ड में उसका डबल और थोड़ा सा और लिख दो ठीक है तो ये एक लेके चल सकते हो गिनोगे नहीं वर्ड्स बैठ के आप तो एक दिमाग में बैठा लो कि किस तरीके से मेंशन मैं तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस आपके दिए हैं ये टू का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एफ जो भी है के एल एम एन ठीक है तो ए ए वाला हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है वॉट इज कॉमर्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एंड ट्रेड कॉमर्स क्या है और ये कैसे डिफरेंट है बिजनेस और ट्रेड से तो ये अगर आप देखो ये पूरा कहाँ तक है आपका एच तक है ए बी सी डी एफ जी एच ये एट है तो यहाँ पे हमें एनी फाइव अटेम्प्ट करने हैं बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें एनी फाइव सेलेक्ट कैसे करेंगे क्योंकि हमें कभी कभी होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं ठीक है तो हम वो कैसे सेलेक्ट करें? देखिए जो जिसमें आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कॉन्फिडेंट है आपको कि हाँ ये मैं अच्छे से लिख लूंगा उसको पहले छाट लो सबसे बेस्ट वाले अगर आपको लग रहा है बेस्ट फाइव ही हो रहे हैं तो सही है अगर आपको लग रहा है बेस्ट सिर्फ थ्री हो रहे हैं दो में मुझे डाउट है तो दो में भी आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं इसमें आप मैक्सिमम चीजें लिख पाओ जो उस क्वेश्चन की है जैसे है मीनिंग है एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लगता है मुझे मीनिंग आती है लेकिन मुझे डिसएडवांटेज नहीं आता या एडवांटेज आती है डिसडवांटेज नहीं आती तो भी ठीक है डिसएडवांटेज बनाने की कोशिश कर ली ले जाओगे लेकिन एडवांटेज डिवांटेज नहीं आती मीनिंग आती तो मीनिंग उतने नंबर नहीं होंगे उसमें एक नंबर होगा चार नंबर उस चीज के होंगे तो फिर मत अटेम्प्ट करना वो चीज जो आपको पूरी तरीके से मेजोरिटी में आ रहा है वो आपको करना जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिया है कि वट इज कॉमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एंड ट्रेड तो यहाँ पे आपको कॉमर्स आना चाहिए बिजनेस भी आना चाहिए ट्रेड भी आना चाहिए ट्रेड का थोड़ा पोर्शन अगर मिसिंग भी है अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा नहीं आता एक थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दू तब भी कराऊँ क्योंकि फिर उसी से हिसाब से नंबर बटा होगा ठीक है तो इस तरीके से है दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन प्रोफेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है तो मेजोरिटी में से पांच नंबर का है ये क्वेश्चन ठीक है तो पाँच में आप पांच पॉइंट पर अच्छे से लिख के आ सकते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे या कोशिश करो सात लिखो थोड़ा एक सेफ साइड में रहो कि टीचर नंबर काटे भी तो किस बात का काटेगी आप ठीक है एडवांटेज और सोल प्रोपराइटरशिप यहाँ पे भी छः सात सोल प्रोपराइटरशिप के एडवांटेज देखो छः सात मतलब क्या है अगर बड़े बड़े पॉइंट लिख रहे हो तो फिर कम लिखो लेकिन छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन के लिख रहे हो तो लिखो भाई फिर सौ नंबर सौ वर्ड्स का बनाना है इसको ठीक है वॉट डी यू मैन बाय बिजनेस पार्टनरशिप इन एमड इट्स टाइप बिजनेस पार्टनरशिप्स क्या होती है पार्टनरशिप के टाइप्स लिखने हैं यहाँ पे आपको ठीक है नेक्स्ट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंटर डिपेंडेंस और ओवर ऑल इंटीग्रेशन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्लान लेआउट आउट प्लान लेआउट के कॉन्टेक्स में आपको एक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है जो कि है इंटर डिपेंडेंस का और ओवरऑल इंटीग्रेशन का ये ई क्वेश्चन है नेक्स्ट है एफ थ्रो लाइट्स ऑन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बिजनेस यूनिट का ऑप्टिमम साइज

और आप को कौन सा बेस्ट लगता है वो आप मतलब आप भी आठ पढ़ के जाओ जरूरी नहीं है कि आपके यही आठ आने वाले सेम टिपा टिपाया क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं हो सकता है आपके यही क्वेश्चन में कोई पोर्शन आपका वेरी शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए ठीक है okay, so हम इसको ओके सो नाउ गाइस हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का स्टार्ट करें सबसे पहले क्या था कॉमर्स था कैसे ये डिफरेंट बिजनेस और ट्रेड से तो देखो कॉमर्स क्या होता है कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स क्या है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज ठीक है मतलब गुड्स और सर्विसेज को खरीदना उसको बेचना उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना ये सब क्या है कॉमर्स में कॉमर्स में और क्या आता है एक्टिविटीज आती हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया इंश्योरेंस हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया वेयर हाउसिंग मीन क्या है मतलब है कि बेसिकली इसमें आएगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज जिसमें आप गुड्स को खरीद रहे हो बेच रहे हो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो दूसरा यही जो गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग है इसको सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज हैं जैसे पैसे की जरूरत होगी खरीदने के लिए बेचने के लिए तो बैंक से बैंक से आपको लोन मिल रहा है तो बैंकिंग वाली एक्टिविटीज भी कॉमर्स में आएगी इंश्योरेंस मिल रहा है आपको कि आपका वेयर हाउस में गुड्स जो है वो आग ना लग जाए खराब ना हो जाए तो कॉमर्स में ये भी चीजें आएंगी ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा मतलब एक ट्रेड और ट्रेड को सपोर्ट करने वाली चीजें दोनों चीजें किस में आ रही हैं कॉमर्स में आ रही हैं बेसिकली ठीक है तो सेल्स एंड परचेज वाला पोर्शन जो बिजनेस का है उसके साथ ही साथ एक्टिविटीज जैसे कि बैंकिंग हो गई सपोर्ट सर्विसेज हो गई ठीक है वो सारी चीजें भी आपकी आ रही है जो आपको ट्रेड में क्या कर रही है सपोर्ट कर रही है जैसे ऑग्जिलरीज टू ट्रेड हम बोलते थे उसको सपोर्ट करती हैं ट्रेड में जैसे बैंकिंग की सर्विस है भाई बिजनेस करना है बाय करना सेल करना तो पैसे चाहिए होंगे लोन चाहिए होंगे तो बैंकिंग वाली चीज़ें एक्टिविटीज़ आएंगी इंश्योरेंस चाहिए होगा गुड्स को ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ये सब खरीद के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो वाली वेयर हाउसिंग गुड्स को स्टोर करने के लिए कि सेल से पहले उसको स्टोर करने के लिए एक जगह तो ये सारी चीज़ें तो कॉमर्स क्या है बहुत ही बड़ा लेवल है एक मतलब ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी गुड्स एंड सेलिंग की सेल एंड एक्सचेंज जो है वो तो आएगी ही आएगी बस yes, यही सेल एंड एक्सचेंज को सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ों की जरूरत है सर्विसेज की जरूरत है वो सारी एक्टिविटीज भी इसमें आएंगी नेक्स्ट है बिजनेस क्या है बिजनेस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द मार्केट डिमांड फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सर्विसेज सस्टेनेबिलिटी बिजनेस क्या है इसमें है कि आप गुड्स को या तो प्रोड्यूस करो या प्रोक्योर करो गुड्स एंड सर्विसेज को ताकि आप गुड्स को क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि आप जो कस्टमर की डिमांड है जो कस्टमर की नीड्स है उसको पूरी कर पाओ इसके साथ ही साथ आप किस चीज पे फोकस करते हो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने पे, पे ठीक है तो प्रॉफिट को अर्न कर पाओ और अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाओ लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को चला पाओ बड़े लेवल पे ये चीजें किस में आएंगी बिजनेस में आएंगी तो बिजनेस बेसिकली क्या है बिजनेस में आप चीज को क्या कर रहे हो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट रिसर्च कर रहे हो मार्केट में जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो कस्टमर की डिमांड को पूरी कर रहे हो फोकस कर रहे हो प्रॉफिट पे सस्टेनेबिलिटी कैसे ला रहे हो कस्टमर की बार बार उसको से सर्विस दे रहे हो उसको चेक कर रहे हो ट्रेंड को फॉलो अप कर रहे हो ये सारी चीजें पूरा एक पैकेज है वो बिजनेस में आ जाएगा ठीक है जो पूरा गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट से और सर्विस प्रोवाइड करने से रिलेटेड होगा नेक्स्ट है ट्रेड क्या है ट्रेड स्पेसिफिकली रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इवाल्व इन ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर ट्रेड जो है ना hmm. वो बहुत छोटा पार्ट है छोटा पार्ट क्यों है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग पे फोकस होता है कि आपको सिर्फ खरीदना है और बेचना है गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब बाय और सेलर के बीच में जो एक ट्रांजेक्शन है उसे ही हम कहेंगे ट्रेड ठीक है तो ट्रेड से बड़ा क्या है बिजनेस क्योंकि बिजनेस में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है बाइंग एंड सेलिंग के साथ मार्केट को एनालाइज करना मार्केट की रिसर्च करना मार्केट के रिसर्च के, के बाद प्रोड्यूस करना फिर डिमांड को पूरा करना आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना और मार्केट में नए नए पैटर्न लाना ठीक है कूपन देना सेल देना और अपनी प्रमोशन करना ये सारी चीज़ें पूरी बिजनेस में आएंगी तो ट्रेड उससे चो, ट्रेड छोटा पार्ट है सिर्फ ये किससे रिलेटेड सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग से, से. बिजनेस उससे थोड़ा बड़ा पार्ट है क्यों क्योंकि वो बाइंग एंड सेलिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई उससे डील करता है कॉमर्स क्या है कॉमर्स इन दोनों का बाप है क्यों क्योंकि इसमें बाइंग एंड सेलिंग भी आएंगी इसके अलावा मार्केट रिसर्च वगैरह सब कुछ आएगा इसके साथ ही साथ जो सर्विसेज हैं जो एक्टिविटीज हैं जो उसको सपोर्ट करेगी चाहे वो बैंकिंग वो हो इंश्योरेंस हो ट्रांसपोर्टेशन हो वेयर हाउस हो वो सब भी आएगा तो ये कंप्लीट पैकेज है जो बिजनेस और ट्रेड दोनों को क्या कर रहा है अपने अंदर समा रहा है तो इन एसेंस कॉमर्स इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑपरेशन ट्रेड बिजनेस ऑपरेशन पे फोकस करता है कि पूरा बिजनेस पूरा रन कैसे करना है लॉन्ग टर्म में ठीक है हर चीज पे और ट्रेड किस पे फोकस करता है सिर्फ बेचने और खरीदने में एक ट्रांजेक्शन पे डेसिट ठीक है तो ये आपका था पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का कि कॉमर्स कर इतना बड़ा नहीं लिखा है तो लिखा है ऐसा कि आपने पूरा चीज स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया कौन सी चीज क्या है ठीक है तो ये याद रखना नेक्स्ट है यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था वो था कि प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या हैं तो पहला क्या है स्पेशलाइज नॉलेज देखो इस प्रोफेशन मतलब क्या होता है जैसे कि आप आप जानते हो डॉक्टर है लॉयर है ये सब क्या टीचर्स हैं ये सब प्रोफेशंस हैं ठीक है ये बिजनेस नहीं है ये प्रोफेशनस हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है अगर कोई आपको पढ़ा रहा है कोई आपको टीच कर रहा है तो उसने उस चीज़ में डिग्री ले रखी होगी उसको पता होगा कि इस चीज़ में कॉन्सेप्ट क्यों है ये ठीक तो है, है तो प्रोफेशन रिक्वायर करता है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ट्रेनिंग उसकी जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर कैसे बना उसने उसकी फील्ड की नॉलेज ली है स्पेशल नॉलेज ली उसी चीज की नॉलेज ली है ली, उसी चीज में उसने ट्रेनिंग ली है उसी चीज में वो एक्सपर्टीज हासिल की है उसने ठीक है तो पहला है फीचर क्या कि तो प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज होती है दूसरा एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं प्रोफेशनल एडेट टू ऑफ एथिक्स दैट गवर्न देयर बिहेवियर एंड इंश्योर इंटीग्रिटी इन द इंटरेक्शन विद द क्लाइंट और जो पब्लिक प्रोफेशनल जो होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं चाहे वो डॉक्टर हो लॉयर हों सब का एक एथिकल स्टैंडर्ड होता है मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो उनके बिहेवियर को गवर्न करते हैं वो उसी पैटर्न के साथ दौक्टर दौक्टर तै ही अपने क्लाइंट्स और पब्लिक को डील जैसे डॉक्टर है डॉक्टर की एथिकल स्टैंडर्ड ही है कि उसके लिए उसकी पर्सनल लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका क्लाइंट है उसका पेशेंट है उसको उसके लिए अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ जाए वो करेगा ना तो ये उसका कल स्टैंडर्ड है तो हर हर डॉक्टर में आपको कहीं कही ना कहीं ये चीज़ देखने को जरूर मिलेंगी कि वो अपना ये कोड जो है टेक्स का वो फॉलो कर रहे हैं ठीक है वो धोखा नहीं दे रहे होंगे अपने पेशेंट्स को उनके साथ गलत नहीं कर रहे होंगे वो एक डिग्निटी के साथ अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे होंगे जो सच में प्रोफेशन को फॉलो करते हैं वो ठीक है ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल की प्रोफेशनल हैव ऑटोनॉमी डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल वो वर्क प्रोसेस भाई जो प्रोफेशन है जैसे टीचर है उसके पास ऑटोनॉमी उसके पास स्वतंत्रता है उसको पता है कि उसको मतलब उसके पास फ्रीडम है अपना डिसीजन खुद ले सकती है अपने वर्क को खुद कंट्रोल कर सकते हैं जैसे लॉयर है उसको क्या करना है डिसीजन क्या लेना है वो अपने आप से ले सकता है कोई किसी के अंडर पे वो काम नहीं कर रहा है एम्प्लॉय नहीं है कि कोई उसको बताएगा कि ऐसे करना है वैसे करना है वो अपने क्या है प्रोफेशनली वो फ्री हैं ठीक है इन टेकिंग डिसीजन सर्विस ओरिएंटेशन भाई ये लोग गुड्स नहीं बेच रहे सर्विस दे रहे हैं ठीक है हेल्प कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं क्लाइंट की बेशन की सोसाइटी सब की सबकी तो ये सर्व सर्विस है यहाँ पे ठीक है सेवा का भाव है यहाँ पे प्रोफेशन में ना कि प्रॉफिट कमाने का रेगुलेटरी रेगुलेटरी ओवर क्या है कि मैनी प्रोफेशनल हैव रेगुलेटरी बॉडी और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट टू इंश्योर इट स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक भाई हर प्रोफेशन या मोस्ट ऑफ द प्रोफेशन के पास क्या होती है रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं मतलब कि एक Uh, और दो कि एक एसोसिएशन होता है जो उसकी चीज़ों को गाइड कर रहा होता है लाइसेंस चाहिए होता है उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस रेगुलेटरी बॉडी का जब उसको वो लाइसेंस मिल जाता है तभी वो अपनी चीज़ों को कर सकता है तभी वो एक प्रोफेशन में आ सकता है अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकता है अब डॉक्टर है डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन पाएगा बन जाएगा उसने बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको गाइड कर रहे उसने अपना सर्टिफिकेट लिया होगा वो सर्टिफिकेट ऑपरेन करने के बाद जब उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं तभी वो ऐसा वर्क करेगा ठीक है तो ये क्या है ये फीचर्स हैं आपके प्रोफेशन के नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था सोल प्रोपरेटरशिप के एडवांटेज ये तो बहुत इजी है भाई एडवांटेज और सोल ट्रेडरशिप ईजी फॉर्मेशन ठीक है अब उस सोल्ड प्रोपराइटरशिप को कैसे या रखोगे अपनी खुद की दुकान खोलनी है तो क्या क्या फायदे होंगे पहला तो है ईजीली फॉर्म हो जाएगी ठीक है कंपनी को फॉर्म करने में बड़े चक्कर लगाने पड़ जाते हैं रजिस्टर कराओ ठीक है घूमो फिर फिर बनाओ पूरा मेमोरेंडम तैयार करो आर्टिकल तैयार करो ठीक है लेके जाओ पब्लिश कराओ फिर पब्लिक कंपनी है तो फिर पैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाओ ना बहुत सारा बवाल इसमें लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप ईजी है कल को आपको एक दुकान खोलनी है सड़क पे जाके छोटी सी पान की तो जाओ बैठ जाओ लगा लो ठीक है आसपास की अगर अथॉरिटी की परमिशन चाहिए वो ले लो बस हो गया स्टार्ट कर सकते हो आप तो ज़्यादा एक्सटेंसिव लीगल रिक्वायरमेंट नहीं बेसिक रिक्वायरमेंट सा पूरा कर सकते हो डायरेक्ट कंट्रोल है डायरेक्ट कंट्रोल क्या है क्योंकि आप खुद ओनर हो तो आपको खुद ही डिसीजन लेने हैं ठीक है ठीके? तो जितना भी बिजनेस के एस्पेक्ट है क्या करना है कैसे करना है उसका आपका डायरेक्ट कंट्रोल है उस पर कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है जब मनाया जैसे डिसीजन ले लिया कोई डिसीजन मेकिंग ले लिया कोई भी चेंज करने लाइक दुकान को बढ़ाना है घटाना है या अलग ले जाना है तो आराम से कर सकते हो तुरंत डिसीजन ले सकते हो कोई किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि पार्टनरशिप या कंपनी में मीटिंग बैठाओ पूछो सबसे फिर लो तो फ्लैक्सिबिलिटी है बढ़ाना घटाना ये सब आपके ऊपर है प्रॉफिट रिटेंशन प्रॉफिट रिटेन कर सकते हो मतलब कि किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है सारा का सारा प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा सोल प्रोपराइटर तो ये है प्रॉफिट का पर्सनल कनेक्शन आप अकेले आप क्या करो कस्टमर के साथ डील कर रहे हो कस्टमर को सर्विस दे रहे हो ठीक है तो यहाँ पे क्या है आप कस्टमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट बना सकते हो ठीक है जैसे कि मान लो कंपनी है उसका ओनर नहीं है कस्टमर से डायरेक्ट डील करता है उसके क्लाइंट्स उसके जो इंप्लाइज हैं वो कर रहे हैं तो उसका कभी कम कस्टमर के साथ पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो बट आप ही हो ठीक है आपने कोई कॉस्मेटिक की शॉप शॉप खोली है लोग आ रहे हैं ठीक है आपसे खरीद रही सामान फीमेल्स बेसिकली मेल आप आराम से डील कर रहे हो उनको बता रहे हो भाभी ये लीजिए वो लीजिए तो पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा ठीक है प्राइवेसी है मतलब कि किसी से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि कितने का कि क्या आपके सीक्रेट्स हैं क्या है आपके लिए बिजनेस रन कर रहे हो क्या चल रहा है कैसे चल रहा है वो सब आपके पास है किसी को आप आ, मतलब जिससे कि पार्टनरशिप है ना तो पार्टनरशिप आपस आप आप में शेयर करने की जरूरत है प्राइवेसी नहीं है उतनी कि तो सब पार्टनर आपस में शेयर करेंगे जो भी डिस्क्लोजर होगा जो भी चीज़ होगा या फिर कंपनी में आपको पूरी मतलब जनता को भी अपना आर्टिकल पब्लिश करना पड़ता है कि क्या स्टेटस है कंपनी का वो सब प्राइवेसी वहाँ पर उस लेवल की नहीं लेकिन सोल प्रोपर्टरशिप में आपको भी पता है आपने तक ही आप ही ओनर हो आप ही को कंट्रोल करना है सारे डिसीजन आपको लेने सारा प्रॉफिट आपको लेना है सारे रिस्क आपको लेने सारी चीज़ें भी आप अपने तक रख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है वही कि जैसे आपको लगा मार्केट चेंज हो रही है कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है नीड्स चेंज हो तो रही है उस हिसाब से आप बिजनेस को फ्लैक्सिबली uh, चेंज कर सकते तो ये भी एक फायदा है तो ये थे एडवांटेजेस नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि बिजनेस पार्टनरशिप क्या है उसके टाइप क्या है तो देखो बिजनेस पार्टनरशिप क्या होती है आपको पता है कि बिजनेस पार्टनरशिप क्या होती है जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं प्रॉफिट शेयर करने के पर्पज से बिजनेस को रन करने के परपज से कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को शेयर करते हैं रिस्क को शेयर करते हैं वो बेसिकली क्या है पार्टनरशिप है ठीक है तो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल हु एग्री टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए जो एग्री करते हैं दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल कि हम बिजनेस को ज्वाइंटली क्या करेंगे मैनेज करेंगे और चलाएंगे और प्रॉफिट को अर्न करेंगे प्रॉफिट को शेयर करेंगे रिस्क को डिवाइड करेंगे वो क्या है पार्टनरशिप है पार्टनरशिप के टाइप्स क्या है पहला जनरल पार्टनरशिप यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सब मैनेजमेंट और लाइबिलिटी के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मतलब सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कोई भी नुकसान हुआ तो सबको भरना पड़ेगा अगर उनके घर भी बेच के बनना पड़े वो भी भरेंगे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट के लिए बराबर ये जनरल पार्टनरशिप है साधारण पार्टनरशिप जो जनरली चलती है लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है ये इंक्लूड करता है जनरल और लिमिटेड पार्टनर दोनों मतलब कि जनरल पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करते हैं और अनलाइबिलिटी फेस करते हैं वाई लिमिटेड पार्टनर हैव लिमिटेड एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है यहाँ पे जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर दोनों होते हैं लिमिटेड पार्टनर मतलब जैसे जनरल पार्टनरशिप में कहता है कि सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है अनलिमिटेड है ठीक है लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ पे जनरल पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं ठीक है पूरा बिजनेस का कंट्रोल उनके हाथ में रहता है बिजनेस को ऑपरेट करना डिसीजन लेना है सब कुछ करते हैं और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है मतलब कल को नुकसान हो जाए तो अपना घर भी बेचना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए तो वो करेंगे ठीक है और यहाँ पे दूसरे लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं लिमिटेड पार्टनर्स को क्या होते हैं जिनका वोटिंग राइट वगैरह नहीं है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करते और लाइबिलिटी लिमिटेड है लिमिटेड मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाई बस उतना ही लाइबिलिटी होगी मतलब कल को कंपनी में नुकसान होता है सिर्फ वो उतना ही पैसा देंगे उससे ज्यादा नहीं देंगे उससे ज्यादा कौन देता है जनरल देंगे ठीक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है यहाँ पे सारे पार्टनर जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड होती है तो यहाँ पे ऊपर तो था कि कुछ के लिमिटेड कुछ के अनलिमिटेड यहाँ पे सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है डेट के लिए ऑब्लीगेशन के लिए जितना उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बस उतनी तक ही उनकी लाइबिलिटी क्या होगी लिमिटेड होगी बेसिकली प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स में इस तरीके की पार्टनरशिप आप यूज़ करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चाहे वो लवर प्रोफेशन ये सारे प्रोफेशन में इस तरीके की पार्टनरशिप बेसिकली लोग करते हैं जहाँ पे सबकी लाइबिलिटी क्या होगी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ठीक है तो ये है आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक मतलब कि सरकार और प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट इनकी जो आपस में पार्टनरशिप होती है मतलब जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करता है ठीक है कोई भी पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट करना है जिसमें उसने पार्ट प्राइवेट वालों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया उसको कोई प्रोजेक्ट था या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना तो उसमें प्राइवेट की भी साथ उसने कोलैबोरेशन करके वो काम कर रहा है उस तरीके की पार्टनरशिप क्या कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो इसमें यही था कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के टाइप्स ठीक है तो हमने डिस्कस किए नेक्स्ट है आपका टू जो कि था आपका कि प्रिंसिपल प्लांट लेआउट के कॉन्टेक्सट में आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटर डिपेंडेंस बताना था ठीक है तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट लेआउट द प्रिंसिपल ऑफ इंटर डिपेंडेंट इफरसाइज द इंटर कनेक्टनेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट और सर्विसेज विद इन द दी विद इन द फैसिलिटी इट एक्नोलेज दैट ईज पार्ट ऑफ द प्लांट रिलाईज ऑन अदर फॉर द इनपुट एंड आउटपुट देखो प्लांट लेआउट में क्या है कि प्लांट लेआउट ठीक है जो आपने प्लांट लेआउट तैयार किया है कि ये रूम है यहाँ मशीनरी रखी गई है ठीक है यहाँ पे आ, ये दूसरा कमरा है यहाँ पे दूसरी मशीन रखी गई है यहाँ सब लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पे वर्क स्टेशन है ये सब जो भी आपने अपना लेआउट तैयार किया है इसमें इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या है मतलब कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे क्या है डिपेंड करता है मतलब एक डिपार्टमेंट जैसे मान लो यहां पे कॉटन तैयार हुई है तो ये डिपार्टमेंट दूसरे वाले को क्या दे रहा है कॉटन कॉटन uh, दे रहा है ये यहाँ पे थ्रेड तैयार कर रहे है फिर ये थ्रेड वाला इधर क्या दे रहा है थ्रेड दे रहा है तो यहां पे कपड़े बना रहे तो आपस में क्या इंटर डिपेंड है वो अगर थ्रेड देगा तभी वो कपड़े बनेंगे वो थ्रेड तब बना पाएगा जब वो रोई दे रहा है ठीक है कॉटन दे रहा है तो आपस में डिपार्टमेंट क्या है इंटरकनेक्टेड है तो प्रिंसिपल इंटर डिपेंडेंस ये बता दें कि जो भी डिपार्टमेंट है या सेक्शन है एक एक लेआउट के तहत वो आपस में क्या हो इंटरकनेक्टेड हो आपस में इंटर डिपेंडेंट हो मतलब कि एक दूसरे पे निर्भर करे इनपुट और आउटपुट के लिए ताकि स्मूथ फ्लो हो पाए चीजों का एक ने दूसरे को दूसरे तीसरे के तो आराम से एक स्मूथ प्रोसेस में चीजें जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी और कपड़े उनके तैयार होकर निकलते जाएंगे तो ओवरऑल इंटीग्रेशन रिफर्स टू डिजाइन ऑफ द एंटायर प्लान लेआउट इंज्योरिंग दैट डिफरेंट सेक्शन वर्क टूगेदर हार मतलब जितने भी सेक्शन है अलग अलग सेक्शन जो है वो पीसफुली एक दूसरे के साथ हारमोनियसली एक दूसरे के साथ क्या करे वर्क करें एक दूसरे के साथ वर्क करने का फायदा क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि तो सारा काम एक ही सेक्शन को नहीं करना है एक ही डिपार्टमेंट नहीं करना या पौच नहीं बचानी है एक स्पेसिफिक काम एक ही डिपार्टमेंट कर रहा तो वो उसमें क्या हो जाएगा एक्सपर्ट हो जाएगा जब आपके पास सिर्फ थ्रेड बनाने का काम है तो वहां के लोग थ्रेड बनाने में क्या हो जाएंगे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो एफिशियटली बता आराम से तेजी से वो काम कर पाएंगे डिले नहीं होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लोगों की क्या वो एक्सपर्ट हो जाएंगे उसी काम में जो वो कर रहे हैं तो इट इन्वॉल्व कोलेब कोऑर्डिनेटिंग स्पेशल अरेंजमेंट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड वर्क फ्लो पैटर्न टू अचीव सीमलेस ऑपरेशन थ्रू आउट द फैसिलिटी यहाँ पे आप जितने भी चीज़ें हैं कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हैंडल करने का या फिर स्पेस का जो भी अरेंजमेंट है उसको आपस में क्या करते हो कोऑर्डिनेट करते हो ताकि आराम से स्मूथली जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो हो पाए सारे डिपार्टमेंट दूसरे से इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके जो गुड्स है उसको आराम से प्रोड्यूस कर पाए तो ये था आपका इंटर डिपेंडेंस की क्या है नेक्स्ट है सेवरल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट बिजनेस यूनिट का कैसा साइज होना चाहिए ठीक है ठीक है एक बेस्ट साइज क्या होना चाहिए मतलब बिजनेस यूनिट आपको बड़ी बनानी है छोटी बनानी है ठीक है वो तो कौन कौन से फैक्टर बताएंगे कि कैसा आपका यूनिट होना चाहिए उसका तो साइज क्या रखो पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल लार्जर बिजनेस कैन ऑफन प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एट अ लोअर एवरेज कॉस्ट ड्यू टू एफिशियंसिज गेन फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम जैसे जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो ऑफन क्या पर क्या करते हैं गुड्स और प्रोड्यूस को कम कॉस्ट में कम एवरेज कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं ठीक है क्यों क्योंकि जब वो ज्यादा बड़े बड़े बिजनेस से बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी जो कॉस्ट आएगी ठीक है पर यूनिट की वो क्या होगी कम आएगी क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा तो ऐसे बिजनेस के जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए ठीक है जहाँ पे आपको बल्क में प्रोड्यूस करना है ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम आए इकोनॉमी में आप रहो तो उस केस में आपका ऑप्टिमम साइज क्या होगा कि आप लार्ज यूनिट सेटअप करो अगर आपको इस तरीके से एवरेज कॉस्ट कम करनी है तो क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी कम प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा आएगी तो इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम के केस में आपका यूनिट क्या होगा अच्छा खासा आप साइज दे सकते हो बड़ा मार्केट डिमांड साइज ऑफ मार्केट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस कैन डिमांड द अप्रोप्रेट स्केल फॉर ऑपरेशन नीडेड टू मीट कस्टमर डिमांड मार्केट डिमांड कैसी है आपके प्रोडक्ट के बीच आपको लगता है मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है आई है तो उसको सेटिसफाई करने के लिए फिर मुझे ज्यादा गुड्स बनाने होंगे बल्क में बनाने होंगे तो फिर आपका एक बजनेस यूनिट का साइज भी उस हिसाब से होगा लार्ज होगा नहीं है उतनी डिमांड तो फिर उतना बड़ा बल्क में प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है टेक्नोलॉजी इनोवेशन टेक्नोलॉजी में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपके ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट को क्या कर सकता है एफेक्ट कर सकता है ग्रेटर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर टेक्नोलॉजी में अच्छे अच्छे इनोवेशन आ रहे हैं पैटर्न आ रहे हैं बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशियंसी को बढ़ा सकता है तो उस हिसाब से आप बिजनेस यूनिट तैयार तय करोगे कि किस तरीके की कि आपको यूनिट लेनी है बड़ी लेनी है छोटी लेनी है फाइनेंशियल रिसोर्स कितने पैसा कितना खर्च कर सकते हो बिज़नेस यूनिट को सेटअप करने में आपको लगता है बड़ी भाई बड़ी बिजनेस यूनिट सेट करनी तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना होगा बड़े बड़े मशीन लानी होंगी ठीक है अच्छे अच्छी टेक्नोलॉजीज लानी होंगी वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स है कितने आप फाइनेंशियली कैपेबल हो उस हिसाब से भी आप बिज़नेस यूनिट का साइज तय कर सकते हो तो ये सारे फैक्टर है जो आपको बताएंगे कि आपका बिजनेस यूनिट का साइज बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए इकनॉमिक ऑफ स्केल ठीक है मार्केट डिमांड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फाइनेंशियल रिसोर्स ये सारे पॉइंट्स ठीक है नेक्स्ट है बिजनेस मर्जर क्या होता है बिजनेस मर्जर या बिजनेस कॉम्बिनेशन या दो या दो से ज्यादा कंपनी एक दूसरे के साथ कंबाइन करती हैं एक सिंगल एंटिटी को फॉर्म करने के लिए एक्वायर कर सकते हो एक्विजिशन कर सकते हो अमलगमेशन कर, कर सकते हो कॉन्सोडेशन कर सकते हो मर्जर यूटिलिटी लाइज इन ठीक है एक्वायर कर सकते हो जिसका मर्ज कर सकते हो दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकते हो अपने में फिर खरीद सकते हो फिर अपने में जोड़ सकते हो ये सारी चीजें आप कर सकते हो एक बिजनेस मर्जर में ठीक है मर्जर यूटिलिटी लाइज इन मर्जर के जो फायदे हैं वो किस चीज में आपको रिजल्ट करेंगे क्या क्या एडवांटेज हो सकती है मर्जर की वो हम यहाँ पे देखेंगे ये तो इससे पहला बेनिफिट है आपका एनर्जी से मतलब क्या है कम्बाइन रिसोर्स एंड एक्सपर्टीज कैन क्रिएट एनर्जी इज लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिवनेस मतलब एनर्जी मतलब क्या होता है बेसिकली जब दो तो, मतलब टीम वर्क इज बेस्ट मतलब जब अकेले अकेले काम कर रहे हो तो उतना तो ज्यादा आप एफिशियंटली जो रिटर्न दे पा रहे हो उससे तो ज्यादा आप रिटर्न तब दे पाते हो जब एक साथ कंबाइन करके देते हो ठीक है इस कंबाइन करके जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो जो आप मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अलग अलग जितना करके आप मर्ज कर लो ठीक है अलग आपने से पचास बनाया उन्होंने पचास बनाया तो सौ बनाया लेकिन साथ मिलके कर रहे हो तो उसका जो टोटल है वो हो सकता है डेढ़ सौ हो जाए तो एक दूसरे के साथ जब आप कंबाइन करते हो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज कम्बाइन कर करते हो एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज कम्बाइन करते हो तो आप बेटर प्रोड्यूस कर पाते हो एज कंपेयर टू जो सेपरेटली सेपरेटली कर रहे हो उससे तो जिससे क्या होगा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ेगी लोगों को कंपटीशन दे पाओगे मार्केट में बिजनेस को मर्ज करके मार्केट एक्सपेंशन होगा ठीक है मर्जन कर हेल्प कंपनीज इंटर न्यू मार्केट एक्सपेंड दिया एक्सिस्टिंग मार्केट शेयर आप एक्सिस्टिंग मार्केट शेयर को एक्सपेंड कर सकते हो नए मार्केट में एंटर कर सकते हो जैसे किसी दूसरे मार्केट वाले बिजनेस ने मर्ज किया तो उस मार्केट में भी आप एंटर कर गए हो जहां पे आप पहले काम नहीं कर रहे थे तो मार्केट का एक्सपेंशन होगा कॉस्ट सेविंग है कॉन्सो ऑपरेशन कैन रिजल्ट कॉस्ट सेविंग थ्रू थ्रो ऑफ स्किल एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन अभी उस मज कर देते हो तो कॉस्ट सेविंग वाली होती है आप इकोनॉमीज स्केल मत सोचते बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हो एक दूसरे के साथ पहले अलग अलग कम कर रहे थे को तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा आ रही थी अभी एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हो तो बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उधर क्या हुआ एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो, हो गई वो भी वही चीज़ें बेच रहे हो आप भी बेच रहे थे और वो डिप्लिकेशन रिड्यूस हो गई अभी एक ही चीज़ है एक ही बार कर रहे हो दोनों लोग बेच रहे हो एक साथ तो वो भी है फायदा डाइवर्सिफिकेशन है अलग अलग प्रोडक्ट लाइन और सर्विस में डाइवर्सिफाई कर सकते हो मान लो आप कपड़ों में डील कर रहे थे वो शूज़ में डील कर रहे थे आपने उसके साथ मर्ज किया तो आप उस लाइन में भी डाइवर्सिफाई हो गए उस प्रोडक्ट लाइन में भी आप चले गए जिससे आपका रिस्क रिड्यूज़ होगा मान लो कपड़े नहीं चले शूज़ ज़्यादा बिक गए तो वो वो रिड्यूज़ हो जाएगा रिस्क ठीक है उसका रिस्क वो वो नहीं चला तो चलो वो तो चला तो मैनेज हो जाएगा ठीक है तो ये भी है इंक्रीज वैल्यू सक्सेसफुल मर्जर कैन लीड टू इन्हांस शेयर होल्डर वैल्यू इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अब भाई वैल्यू इंक्रीज़ होगी शेयर होल्डर का जो भी शेयर है वो उसकी वैल्यू भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया अगर आपका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव करेंगी जब दो लोग एक साथ कर रहे हो एक साथ एक्सपर्टीज एक साथ नॉलेज के साथ एक साथ रिसोर्सेज हो कैपिटल को करके एक बड़ा लेवल पे बिजनेस सेटअप करके आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो मार्केट में ठीक है तो ये सब फायदे हैं आपके बिजनेस मर्जर के नेशलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है बिजनेस को नेशनालाइज कर देना भी बहुत ईजी है बहुत लोग पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ के आएंगे सोचिए कि नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस क्या बकवास पूछ रखा है पर यह बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये देख के जाना हो सकता है पेपर में आए और आप मत मोड़ के आना इट रिफर्स टू तो द प्रोसेस वेयर गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑफ प्राइवेटली ओंड कंपनीज और इंडस्ट्रीज जब सरकार जो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है उसको टेक ओवर कर लेती है और उसको अपने स्टेट ओनरशिप और मैनेजमेंट के अंदर ले आती है जैसे आपने देखा होगा पहले क्या हुआ था नाइनटीन के कॉन्टेस्ट में अगर आप देखो तो बैंक जो सरकार थी उसने बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज तो कर दिया मतलब कोई प्राइवेट बैंक नहीं होंगे अब प्राइवेट बैंक सारे क्या बन गए सरकारी बैंक के अंदर आ गए ठीक है अब सरकार उनको कंट्रोल कर रही है पूरी तरीके से तो वो क्या है आपका नेशनलाइजेशन तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में पूरा क्या कर देती है अपना कंट्रोल कर देती है क्या प्राइवेटली ओन्ड कंपनी या इंडस्ट्रीज सरकार के अंदर चलेंगी सरकार की उसपे क्या होगी ओनरशिप होगी मान लो पहले प्राइवेट की फोर्टी नाइन थी नहीं फिफ्टी वन थी सरकार की फोर्टी नाइन थी अब सरकार ने ओन किया तो वो उसका कंट्रोल फिफ्टी वन परसेंट हो जाएगा बाकी उसका प्राइवेट का फोर्टी नाइन रहेगा तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रोल का ले जाएगा सरकार ले जाएगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो क्यों ऐसा करती है ताकि पब्लिक वेलफेयर हो जाए मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको लगता है कि सरकार के ही अंदर होनी चाहिए और प्राइवेट वहाँ पे क्या कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों को एक्सप्लॉयड कर रहा है तो फिर सरकार उस सेक्टर को क्या करेगी डोमिनेट तो करना शुरू कर देगी अपने अंदर ले लेगी ले ताकि वो लोगों का वेलफेयर कर पाए सही रेट पे उनको गुड्स प्रोवाइड कर पाए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो पाए भा क्योंकि भाई अगर मान लो प्राइवेट कर रहा है तो वो सिर्फ उसको ही दे रहा होगा जो उसको ज़्यादा पैसे दे पा रहा होगा तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है इक्विटेबल इक्वेटेबल वहाँ पर गैप आ रहा है रिच और पुअर के बीच में तो वो सारी चीज़ें स्ट्रेटी कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्री एंड मार्केट फेलियर जो भी मार्केट के फेलियर से मान लो वो इंडस्ट्री नहीं रन कर पा रही थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बट इसके अंदर वो रन कर पा रही है तो मार्केट फेलियर को एड्रेस करना और जो भी की इंडस्ट्रीज है उनको स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करना ये सारी चीजें नेशनलाइजेशन के गोल्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि इंडियन कॉन्ट्रेस के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि नाइन में जो भी आ, बैंकिंग सेक्टर थे उसको सरकार ने क्या किया नेशनलाइज कर दिया मतलब अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया देंडन गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशलाइज फोर्टीन मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट के फोर्टीन मेजर बैंक है उसको क्या किया इंदिरा गांधी ने अपने अंडर में अपने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में नेशनलाइज कर दिया सरकार के अंदर उसको ले लिया जिससे क्या हुआ जो कंट्री के बैंकिंग एसेट थे उस पे उसका सरकार का पूरा कंट्रोल आ गया उस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक है किस तरीके से उसको बैंकिंग के एसेट्स को यूटिलाइज करना है वो अब प्राइवेट सेक्टर नहीं है वो सरकार डिसाइड करेगी ताकि वो पब्लिक का वेलफेयर कर पाए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए रिसोर्सेज का और जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उनको स्ट्रेटजी के साथ कंट्रोल कर पाए जो रिजल्ट दे पाए इन फ्यूचर रन ठीक है तो ये था आपका तो शॉर्ट आंसर टाइप वाली क्वेश्चन की लिमिट रहे ही रहेगी तो वो आप चीजों को ध्यान में रखना और पांच अटैम्प्ट करने हैं तो पांच बेस्ट अटैम्प्ट करना है जिसमें आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो और हाईलाइट करना की पॉइंट इसको भी ठीक है लॉन्ग वाले में थोड़ा डायग्राम वाले प्रेजेंटेशन डालना टाइम बहुत रहता है तो वो जो डायग्राम वहां बताऊंगी वो यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो फ्लो चार्ट वाले अदरवाइज लगता है टाइम टाइम कम है तो उतना टाइम मत वेस्ट करना ठीक है एडवांटेज बक, बाकी बाकायदा हेडिंग वेडिंग जरूर लिख के ही इसमें आना ठीक है जैसे यहाँ पे हेडिंग है कि जो भी पॉइंट है इजी फॉर्मेशन डायरेक्ट कंट्रोल इसको हाईलाइट करके ब्लैक से फिर कंटेंट लिखना ताकि एक नज़र में अगर वो बेसिक अब चीजें ना भी पढ़ना पाए हेडिंग ही देख ले तो आपको नंबर मिल जाएंगे ठीक है तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके के क्वेश्चन पे देखनी है जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप है नेक्स्ट हम लॉन्ग आंसर टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे तो उसको देखते हैं नाउ so सुनाओ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी और लास्ट सेक्शन इस क्वेश्चन पेपर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें भी है कि इसमें आपको दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ फोर फोर दिए हैं इसमें सिर्फ यानी टू करने हैं और क्वेश्चन जो है वो ट्वेंटी मार्क्स का है ठीक है तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ट्वेंटी मार्क्स का एक क्वेश्चन है मीन्स टोटल आपका फोर्टी मार्क्स का ये सेक्शन होगा ठीक है क्योंकि आपको सिर्फ दो करने हैं ट्वेंटी मार्क्स के तो फोर्टी मार्क्स और यहाँ पे फोर हंड्रेड वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करना तो पहले की क्या थी फिफ्टी थी फिर हंड्रेड थी और अब आपका फोर हंड्रेड वर्ड से ज़्यादा लिमिट नहीं है तो क्वेश्चन भी ऐसे ही फ्रेम करके आपको दिया जाएगा जिसमें आप कम से कम फोर हंड्रेड वर्ड का क्वेश्चन का आंसर बना पाओ ठीक है तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन फोर सी में आपको फोर क्वेश्चन दिए इस वो दो करने हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका वट डू मैन बाय द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या इंपॉर्टेंस क्या है हो सकता है आपके एग्जाम में, में मेरिट डिमेरिट पूछे ठीक है तो इस तरीके से करना है नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है उसके मेरिट uh, क्या है डिमेरिट क्या है तो कंपनी और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज फिर वेबर की थ्योरी से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है

चाहे पहला हो जिसमें आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस हो ज्वाइंट स्टॉक मेरिट डिमेरिट तीन चीजें आपको पूछी गई है ठीक है तो तीन चीजें अगर ट्वेंटी मार्क्स की भी है तो हो सकता है जो पहला वाला है जिसमें सिर्फ आपको मीनिंग ही वो बेसिक पूछ रहा है तो वो पांच मार्क्स का हो और बाकी जो ये दो दो पोर्शन है ठीक है को तो वो अपने हिसाब से जो बचे हैं ठीक है पंद्रह उसमें से साढ़े सात साढ़े सात का डिवाइड कर सकता है तो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस में बेसिकली मान के चलो आठ आठ पॉइंट दोनों में लिखो या फिर छः छः पॉइंट अगर बड़े लिख रहे हो तो छः छः पाँच पाँच पॉइंट लिखो ठीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे खासा एक पैर में डेफिनेशन लिखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की भी एक पैरे में लिखो फिर मेरिट डिमेरिट कम से कम कुछ नहीं तो सात सात आठ आठ लिखनी है आपको वेबा की थ्योरी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो अच्छे प्यारे में और क्रिटिजम और सिग्निफिकेंस भी छे अच्छे साथ साथ पॉइंट ठीक है इस तरीके से आपको ये करना है तो हम अब क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं कि, कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो मूव करते हैं अपने आंसर शीट के साथ तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो पहला क्या था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेके था ठीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ठीक है वो हमें डिस्कस करना था और आ, तो हम चलिए स्टार्ट कर रहे हैं

वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गे फॉर्म हुई है फॉर डूइंग द पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट कमर्शियल एक्टिविटीज इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें सोल प्रोपराइटरशिप आ सकता है मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल पर्सन ने फॉर्म की हो और वो पूरे बिजनेस को रन कर रहा है वो सेल और परचेज में इन्वॉल्व है वो सर्विसेस प्रोवाइड कर रहा है पार्टनरशिप हो सकती है जहा पे दो या दो से ज्यादा लोग आके एक दूसरे के साथ कंबाइन करके प्रॉफिट अन कर रहे हैं बिजनेस को रन कर रहे हैं कॉपरेशन हो सकता है मन कंपनी हो सकती है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हो सकती है जो हमने इसमें टाइप्स में डिस्कस किया है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को कैरी आउट करने की मीन्स कमर्शियल एक्टिविटीज को डेट इज सेलिंग गुड्स प्रोवाइडिंग सर्विस को करने के लिए क्या हो फॉर्मड हुई हो वो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब हमारा नेक्स्ट था कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं ठीक है तो देखो मैंने कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे किए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ठीक है सिक्स अगर मैंने किए तो सिक्स का मैंने अच्छा खासा एक पैरे में दिया होगा लिखा होगा ठीक है तभी मैंने सिक्स किए अगर आपको लगता है मुझे ज्यादा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ प्रॉफिट मैग्जिमाइजेशन में मैं एक दो लाइन ही लिख पाऊंगी इससे ज्यादा नहीं तो काम करना इसमें फिर सात या आठ पॉइंट एड कर लेना ठीक है ताकि वर्ल्ड लिमिट फोर हो जाए ठीक है तो हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव देखें अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा वेल्थ को क्रिएट करना कस्टमर को सेटिस्फाई करना इनोवेशन ग्रोथ मार्केट एक्सपेंड करना और सी एस आर डेट इज कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलो ऑब्जेक्टिव को देखते हैं पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है बिजनेस बनाया ही क्यों है बिजनेस है ना तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बनाया होगा तो मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स के लिए स्टेक होल्डर्स के लिए मतलब ओनर्स के लिए शेयर होल्डर के इन्वेस्टर्स के लिए सबके लिए, सब लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना प्रॉफिट को अर्न करना बना पाना ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कर 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 जनरेट करने के साथ बाय जनरेटिंग प्रोफिट बिजनेस ऑर्गेजन कंट्रीब्यूट टू दिए वेल्थ इन द सोसाइटी दिस वेल्थ क्रिएशन लीड्स टू इकनोमिक ग्रोथ जॉब क्रिएशन एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड वेल्थ क्रिएट करती है वेल्थ मीनस क्या है ये सोसाइटी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है कि सोसाइटी की जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी में जीडीपी में को बढ़ाना उसकी वेल्थ को इंक्रीज करना उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को करना जॉब क्रिएट करना ताकि लोग भी अर्न कर पाए उनके पास भी एक सोर्स ऑफ वेल्थ हो पाए एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो पाए लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इंप्रूव करना इस तरीके से ये लोगों के लिए क्या है वेल्थ क्रिएट है प्रॉफिट को जनरेट करने के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर सेटिसफेक्शन तो होगा ही भाई बिजनेस है फिर तो प्रॉफिट नहीं अर्न करे प्रॉफिट अन कैसे करे कस्टमर को सेटिस्फाई करके सो नीड एंड वांट को कस्टमर को सेटिस्फाई करना कैसे गुण गुण को है कैसे सेटिस्फाई करोगे अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करनी कस्टमर सेटिसफेक्शन क्यों जरूरी है क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तभी वो आपके गुड्स को खरीदेगा तभी आप लॉन्ग रन में ब्रांड लॉयल्टी बना पाओगे और रन कर पाओगे सस्टेन कर पाओगे ठीक है नेक्स्ट है इनोवेशन एंड ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये है कि ग्रोथ करना इनोवेशन के साथ मतलब कि नए नए प्रोडक्ट लाना नए नए आइडियाज के साथ सर्विसेज प्रो, प्रोवाइड करना नए नए गुड्स को प्रोड्यूस करना ताकि वो कस्टमर की जो इवॉल्विंग नीड है जो आज के टाइम में जो उसकी नई नई नीड आ रही नई नई चीज़ों को लेके नए नए ट्रेंड्स को लेके वो सेटिस्फाई कर पाना वो चीज़ भी करना एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का मार्केट को मार्केट में एक्सपैंड करना ठीक है उतनी तक की सीमित ना रह जाना अलग अलग मार्केट को रीच करना अलग अलग जगह पे अपनी शॉप खोलना वहाँ पे लोकेशन में डालना वहाँ के टारगेट करना कस्टमर को अलग अलग सेगमेंट में एक्सपैंड करना सेल्स को बढ़ाना ये सारी चीजें भी एक ऑब्जेक्टिव है कॉपरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी टूडे बिजनेस वर्ल्ड मैनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम टू फुलफिल दियर सी एस आर मतलब सोशल रिस्पॉसिबिलिटी क्या है कि, कि सोसाइटी को आप सोसाइटी के लिए आप रिस्पॉसिबल हो ठीक है कैसे सोसाइटी सु, के टूर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स थिकल स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस पूरी करना मतलब कि किसी के साथ चीटिंग नहीं करना ठीक है अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स देना अच्छे रेट पे देना गलत रेट नहीं चार्ज करना उनसे इन्वायमेंट में पॉल्यूशन uh, नहीं क्रिएट करना ऐसे रन करना जिससे इन्वायरमेंट भी सस्टेन रहे कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना जॉब क्रिएट करना लोगों को सपोर्ट uh, करना एम्प्लॉयमेंट देना ये सारी चीजें भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी सोसाइटी के टूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करे पूरा करे तो ऑब्जेक्टिव कैसे याद रखोगे एक बिजनेस से बिजनेस क्यों बनाया प्रॉफिट के बनाया ठीक है प्रॉफिट बनेगा वेल्थ क्रिएट करेंगे कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ प्रॉफिट अन करेंगे अदरवाइज प्रॉफिट शॉर्ट रन में हो पाएगा लॉन्ग रन में कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा इनोवेशन कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं फिर सोचो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी गुड्स से कैसे गुड्स इनोवेटिव हो ठीक है, है? इनोवेशन करना है ग्रोथ करना है एक्सपैंड करना है वहीं तक नहीं रहना है आगे भी जाना है और सोसाइटी के टूर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है ठीक है तो ये था ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट इसी में था इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस भी हमने कब कितनी डिस्कस किए हैं यहाँ पे छह इंपॉर्टेंस डिस्कस किए हैं और देखो यहाँ पे कंटेंट जो है वो ऐसे है मतलब अच्छे से उसमें लिखा हुआ है ताकि वो फोर हंड्रेड वर्ड्स में आ जाए ठीक है तो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ है इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है Employment opportunity अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर infrastructure इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनोवेशन technology को वही वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी जो ऑब्जेटिव उसको आप इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो पर थोड़ा बहुत हेर फेर करोगे वर्ड्स का वरना टीचर को लगेगी वही चीज़ उठा के यहाँ पर टीप दिया है नहीं थोड़ा बहुत चीजें को चेंज करो जैसे वहाँ पर प्रॉफिट वाला डाल दिया टॉपिक तो यहाँ पर डाल दिया इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना ठीक है इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्ले वाइटल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में अच्छा खासा रोल प्ले करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये इंपॉर्टेंस की कैसे जॉब दे के लोगों को ठीक है कंट्री में लोगों के पास जॉब होगी तो भाई कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी इनकम जनरेट करके टैक्स पे करके सरकार को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके इस तरीके से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कर रही है कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है मतलब कि बिजनेस जो है वो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है इंडिविजुअल को अलग अलग स्किल्स में अलग अलग सेक्टर में जिससे क्या होता है कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बे है वो खत्म होती है लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को बढ़ता है भाई इंप्लॉयमेंट है उनके पास जॉब रहेगी तभी वो गुड्स अच्छे अच्छे क्वालिटी के खरीद पाएंगे ठीक है अगर लोगों के पास जॉब नहीं है तो फिर वो गुड्स कैसे खरीद पाएंगे ठीक है तो फिर आपको अगर बेचना भी है तो आप अगर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो तो अभी तो कस्टमर आपके पास आएगा तो ये भी एक फायदा है यहाँ पे नेक्स्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बिजनेस ड्राइव इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल का एडवांसमेंट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज लीडिंग टू इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस इसका एक और इम्पोर्टेंस क्या है और क्या कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है इनोवेशन लाता है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाता है कैसे लाएगा रिसर्च करेगा डेवलपमेंट के थ्रू रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू जट इज आर एंड डी रिसर्च करेगा कि क्या चल रहा है मार्केट में कैसी टेक्नोलॉजी के साथ लोग काम कर रहे हैं क्या क्या इनोवेशन हो रहा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो उस हिसाब से फिर वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा जिससे प्रोडक्ट में भी इंप्रूवमेंट होगा पहले आप जिस तरीके के पुराने प्रोडक्ट दे रहे थे उसमें आपने चेंजेस लाए नए प्रोडक्ट दे रहे हो जो आज की नीड को पूरा कर रहा है तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंस है वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय जनरेटिंग प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वैल्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइट स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इन्वेस्टर प्रॉफिट को जनरेट करके और एक वैल्यू क्रिएट करके बिजनेस क्या करता है वेल्थ को क्रिएट करता है और उसको अपने स्टेक होल्डर चाहे वो ओनर्स हो इम्प्लॉज हो इन्वेस्टर हो उनमें डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है कंज्यूमर वेलफेयर कंज्यूमर का वेलफेयर इसकी इंपॉर्टेंस है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की नीड्स एंड डिमांड को फुलफिल करते हैं उनकी प्रेफरेंस को सेटिसफाई करते हैं जिससे क्या होता है कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे रेट में अवेलेबल होते हैं जिससे उनका वेलफेयर होता है और वो सेटिस्फाइड रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं कि जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो कम्युनिकेशन हो यूटिलिटीज हो इन सब चीजों को भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं ठीक है बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेटअप करते हैं कम्युनिकेशन सर्विसे सेटअप करते हैं चाहे वो अपने बिजनेस के लिए हो फिर आसपास के एरिया में भी उस चीज़ का डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो उससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है भाई कम्युनिकेशन वाई वगैरह के सब चैनल पड़े हैं तो सोसाइटी भी उसको यूज़ कर पा रही है अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडस अगर उसने कंस्ट्रक्ट करा दी ताकि उसका गुड जो है आराम से दी आ पाए जा पाए तो उससे सोसाइटी को भी फायदा हो रहा है ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी सपोर्ट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इनकी एक दिखती है कि ये इनका एक कंट्रीब्यूशन है ये भी एक इम्पोर्टेंट तो ये था कि क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव में हमने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनोवेशन ड्राइव ऑपरेशन और यहाँ पे हमने देखा कि किस किस तरीके से ये इंपॉर्टेंस है इसकी ठीक है तो ये हमने यहाँ पे देखा था आपका ये वाला क्वेश्चन तो इसमें लिखना कैसे है अगर देखो तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से लिख दिया बहुत सारे टीचर पर टाइम नहीं रहता अगर वो आपके ये पॉइंट ही देख लेते ना और फिर थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर नजर में आ तो उनको लगता है सही लिखा होगा और अब सही लिख के भी आना तो ये एक फायदा रहता है कि इस तरीके के अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर देते हो ना क्योंकि भाई दो ही अटेम्प्ट कर तो दो में जितना बेस्ट दे पाओ उतना बेस्ट दे के आना ठीक है तो डायग्राम वगैरह बना के चाहे ऐसे बनाओ चाहे गोले में बनाओ जैसे भी आपको सुटेबल लग रहा हो ये ऐसे, ऐसे ऐसे बना के एरो एरो कर 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 सकते हो ये ऐसे ऐसे एरो कर सकते हो बेसिकली से बना के जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से डायग्राम बना के प्रेजेंट करके और अच्छे से सोच समझ के लिख के आओ ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कंपनी के बारे में था कि कंपनी क्या है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो डिसडवाटेज स्टॉक कंपनी एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टाइप है हमने पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में सोल प्रोपरेटर पार्टनरशिप कंपनी ठीक है ये सारी चीजें तो उसका ही एक क्या है पार्ट है फॉर्म है वेयर ओनरशिप इज डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ स्टॉक जहाँ पे ओनरशिप किसमें डिवाइड है शेयर्स में जो स्टॉक है जो कैपिटल है वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड है जो किसने कंट्रीब्यूट करी है शेयर होल्डर ने ठीक है तो ज्वाइंट स्टॉक क्यों है क्योंकि स्टॉक जो है वो ज्वाइंट है ज्वाइंट मतलब जितने भी लोग हैं वो सब लोग उस शेयर में क्या कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस कैपिटल में ठीक है जो तो कंपनी है कंपनी में कैपिटल आई कैपिटल जो है वो सब लोगों ने मिलाई ठीक है सब लोगों ने कैसे मिलाई वो छोटे छोटे शेयर्स के फॉर्म में मिलाई उन्होंने छोटे छोटे शेयर्स खरीदे मान लो इसने एक हजार के दो हज़ार के तीन हजार के तो इन लोगों ने शेयर्स खरीदे और खरीद के पैसा जो है वो कंपनी को दिए तो ये पूरी होगी कैपिटल तो यहाँ पे क्या है जो ओनरशिप है वो शेयर्स में डिवाइडेड है स्टॉक के जो कैपिटल है जो स्टॉक है उसके शेयर्स में छोटे छोटे शेयर्स में ओनरशिप है जिसके पास जितने की क्या है ओनरशिप है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किसने की है शेयर होल्डर ने जो शेयर को होल्ड करे जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन है ये लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर अलाउंग फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी रेजिंग कैपिटल मैनेजिंग ओनरशिप एंड कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशन भाई यहाँ पे ओनरशिप क्या है लीगल एंटिटी सेपरेट होती है ओनरशिप से मतलब जो ओनर्स है जो शेयर होल्डर है वो क्या है यहाँ के मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व डायरेक्ट मैनेज करने वाले लोग और हो सकते हैं और आप जैसे आपने किसी कंपनी का शेयर आप उस कंपनी में जाके वहाँ मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ठीक है वहां के आप मैनेजर बन के घूम नहीं रहे हो वहां पर रोड रोज जाके मैनेज नहीं कर रहे हो आप अपने घर पे बैठे हो अपने शेयर खरीद रखे हैं कोई और मैनेज कर रहा है आप बस वहां के ओनर हो जिससे क्या होगा कि फ्लेक्सीबिलिटी रहती है ग्रेटर क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग कंपनी में आके उसको खरीद सकते हैं उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं तो कैपिटल ज़्यादा आती है तो कंपनी uh, में आप कैपिटल ज़्यादा रेस कर पाते हैं कंपेयर टू पार्टनरशिप या सोल ट्रेड सोल ट्रेड में मैं सिर्फ एक ही पर्सन लगा रहा है पार्टनर में जितने पार्टनर्स हैं उनके पास वही लगा रहे हैं लेकिन कंपनी में आप पूरे पब्लिक से पैसा जो है वो uh, ले सकते हो अपने शेयर्स को बेच के ठीक है तो इसमें क्या है आपके क्या एडवांटेज हैं तो पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी ईज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर कंटिनि ऑफ़ एक्जिस्टेंस इकनोमिक्स ऑफ स्किल प्रोफेशनल मैनेजमेंट अब वन बाय वन हम देखते हैं मेरिट को पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी देखो जो लाइबिलिटी होगी शेयर होल्डर की वो क्या होगी लिमिटेड होगी मतलब जितना आपके पास शेयर है मान लू बो एक हज़ार कंपनी का शेयर है एक हजार रुपये का किसी कंपनी का, का शेयर है तो बस अगर वो कंपनी डूबेगी तो मैं वो एक हज़ार रुपये या फिर जो भी मेरा अमाउंट अनपेड होगा उस शेयर में भी एक हजार में, में मेरा पाँच सौ ही सिर्फ अनपेड है सिर्फ तो मैं उतना ही दूंगी उससे ज्यादा मुझसे वो नहीं लेंगे ना मुझे देने की जरूरत है तो लाइबिलिटी क्या है लिमिटेड है जो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको कंपनी की डेट और लाइबिलिटी से तो ये तो भाई फायदा है कि मान लो कल को रिस्क आया कंपनी में कंपनी डूबी तो आपको उतना ही देना जितने के लिए आप लाइबल हो उससे ज्यादा आपसे वो नहीं मांगेंगे लेकिन सोल्ड प्रोपर्टरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है आपसे आपके पर्सनल एसेट बेच के भी वो पूरा करवाया जाएगा ठीक है तो ये एक फायदा है ईज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन ईज है क्यों क्योंकि आप अपने शेयर्स को प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टर दोनों को बेच सकते हो तो जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे उतने ज़्यादा आपके पास कैपिटल आएगी तो लार्ज स्केल में आपके पास कैपिटल आएगी जिसकी वजह से आप बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी खरीद सकते हो एक्सपेंड कर सकते हो तो ये भी एक फ़ायदा है ट्रांसफेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब क्या है कि शेयर होल्डर ईजिली शेयर जो है उसको बाय कर सकते हैं सेल कर सकते हैं ठीक है लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ओनरशिप होती है मतलब कि जैसे मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है और आपको शेयर मुझसे खरीदना है तो मैं आपको वो बेच सकती हूँ ऐसा नहीं है कि वो शेयर uh, मेरे भी पास रहेंगे या मैं ही उनको रख सकती हूँ मैं किसी को बेच नहीं सकती हूँ ऐसा नहीं है ट्रांसफिटी पे रोक नहीं है आप किसी को भी अपने शेयर जो है वो बेच सकते हो खरीद सकते हो तो लिक्विडिटी है फ्लेक्सिबिलिटी है जब आपको पैसों की जरूरत है आपने बेच दिया और और किसी ने आपसे खरीद लिया तो वो चीज आपके पास एक फायदा है यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ एक्जिटेंस मतलब मान लो किसी भी ओनर की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी मान लो कितने शेयर होल्डर है एक लाख दस लाख कंपनी के शेयर होल्डर है उसमें से किस कितने लोग मरते होंगे तो कोई जरूरी थोड़ी मतलब कोई जरूरी क्या है ऐसा है ही नहीं कि उसकी डेथ से कंपनी बंद हो गई हो कंपनी चलती रहेगी कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करती रहेगी जब जिस पर्पज के लिए वो बनी हो उस पर्पज को सेटिस्फाई करती रहेगी तो यहाँ पे एक फायदा ये है जैसे सोल प्र है सोल ट्रेडर खत्म हो गया तो भाई कंपनी भी बंद हो गई पार्टनर्स खत्म हो गए तो कंपनी भी बंद बट यहाँ पे नहीं होता ऐसा इकोनॉमिक तो ऑफ़ स्केल है मतलब कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन बेनिफिट तो फ्रॉम ऑफ स्केल बाय बायिंग स्प्रेडिंग रिस्क एंड लोअरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ स्केल होगा भाई ज्यादा से ज्यादा आप रिसोर्सेज एक साथ पूल कर सकते हो भाई ज्यादा ज्यादा शेयर होल्डर है ज्यादा ज्यादा पैसा है ठीक है एक साथ खूब सारा रिसोर्स ला सकते हो और इसके साथ ही साथ रिस्क जो है वो बांट सकते हो सब में ठीक है इसके अलावा जब बर्क में प्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी तो इकोनॉमी और स्केल आपको मिलेगी प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा प्रोफेशनल सर्विसेज हायर कर सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अच्छे, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं अच्छे उनके अच्छे उनके ऊपर प्रोफेशनल डिग्री अच्छे खासे एक्सपर्टीज़ है उनको आप हायर कर सकते हो अपनी कंपनी को रन करने के लिए और अच्छे से कंपनी उनके थ्रू क्या कर सकते हो मैनेज कर सकते हो तो ये भी एक फ़ायदा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिखता है आप जैसे कम सोल ट्रेडर है तो उसमें इतना प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं दिखेगा एक पर्सन किस चीज़ में बेटर हो सकता है एक चीज़ में होगा ज़रूरी नहीं हर चीज़ में हो अब वही ओनर है वही रन कर रहा है तो फिर वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाली चीज़ें नहीं देखेंगे पार्टनर्स में भी जरूरी नहीं हर पार्टनर को सब कुछ आता हो कोई किसी चीज़ में अच्छा कोई किसी चीज़ में अच्छा नहीं है तो वहाँ पर भी उतना लेवल का प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं देखने को मिलेगा लेकिन कंपनी में आप उसी प्रोफेशन के लोगों को हायर कर सकते हो जिसमें एक्सपर्ट हैं ठीक है तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बेनिफिट देखने को मिलेंगे नेक्स्ट है डीमेरिट क्या है जॉन स्टॉक कंपनी की अब इसके कुछ नुकसान भी हैं पहला है कि कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटी कंपनी बनाना आसान नहीं होता है भाई लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है इसलिए लोग कंपनी बनाने से झिझकते भी हैं पोटें कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल होता है भाई आपस में इतने सारे लोग हो तो लड़ाई झगड़े होंगे ठीक है रिस्क ऑफ टेक ओवर हो सकता है कि कोई इसको टेक ओवर कर जाए उसका रिस्क रहता है किसी के पास ज़्यादा शेयर चले गए ठीक है फिफ्टी वन पर फिफ्टी वन परसेंट शेयर हो गए तो भाई वो कंपनी उसकी हो जाएगी टेक ओवर हो सकता है कंट्रोल का लॉस हो सकता है शॉर्ट टर्म रिजल्ट में प्रेशर रहता है और मार्केट वोलेटिलिटी ठीक है तो डीमेरिट्स की बात की जाए कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज़ पहला है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज मैंने बताया भी कि कॉम्प्लेक्स होता है भाई इसको फॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है बहुत सारी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है मेमोरेंडम बनाना आर्टिकल एसोसिएशन बनाना ठीक है पब्लिक है तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो गेन करना उसके बाद ही आप कंपनी जो है वो फॉर्म कर पाते हो तो ये सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी जिसमें आपका समय भी लगता है और पैसा भी लगता है पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट जब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे एग्रीमेंट होंगे डिसएग्रीमेंट होंगे डिस्प्यूट्स होंगे लड़ाई झगड़े होंगे किसी चीज में कोई सहमत होगा नहीं होगा ठीक है डिपेंडेंट को लेके स्ट्रैटेजी डिसीजन को लेके इन सब चीज़ों में लेके इंटरेस्ट सब होते रहते हैं तो ये भी दिक्कत है सोल ट्रेडर में अकेला है नहीं होंगे पार्टनरशिप में कम पार्टनर है तो इतना नहीं होगा और यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं तो रिस्क को पोटेंशियल रहता है ये लड़ाई झगड़े का रिस्क और टेक ओवर पब्लिकली ट्रेडर जो कंपनी गेन कंट्रोल ऑफ दिस कैन रिजल्ट टू चेंज ऑफ मैनेज भाई जिस कंपनी है ठीक है प्राइवेटली है तो प्राइवेट जब मान लो शेयर किसी ने ज्यादा है जो आपका एक कॉम्परेट है उसने खरीद लिए तो उसका कंपनी पे कंट्रोल हो जाए तो ओनरशिप भाई चेंज हो गया मैनेजमेंट चेंज हो गया कॉपरेट कल्चर बदलेगा ठीक है क्योंकि वो वो अपने हिसाब से चलाएगा उसने ले लिया है तो फिर वो एक रिस्क रहता है यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल का रहता है एज ओनरशिप इज डिस्पर्ड अमंग लिमटेड शेयर होल्डर फाउंडर्स एंड इजली इन्वेस्टर में लूज कंट्रोल होता द कंपनी डायरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग दिस कैन लीज टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर जो ओनरशिप है वो क्या है डिस्पर्स है मतलब फैली हुई है अलग अलग शेयर होल्डर बहुत सारे शेयर होल्डर में फाउंडर्स में जो अर्ली जिन्होंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था उनमें तो हो सकता है कि उनका कंपनी के डायरेक्शन और डिसीजन मेकिंग से कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाए सबके पास जो है अथॉरिटी है इन सब चीज़ों की तो उसका कंट्रोल अगर लॉस हो जाएगा तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे मैनेजमेंट में शेयर होल्डर में कि मैनेजमेंट जो है वो अपने तरीके से कंपनी रन करना चाहती है फिर शेयर होल्डर जिनका ज्यादा कंट्रोल है जिसके पास ज्यादा शेयर है वो अपने ही चलाना चाहेंगे तो फिर वहां पर लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है उन लोगों का जो मैनेजमेंट टीम से हैं या फिर शेयर होल्डर वाले भी प्रेशर फॉर शॉर्ट टर्म रिजल्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में फेस प्रेशर फ्रॉम शेयर होल्डर एंड फाइनेंशियल मार्केट टू डिलीवर शॉर्ट टर्म रिजल्ट डिल्मल मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू शेयर होल्डर हैं जिनके पास शेयर है उस कंपनी चाहेंगे कि हमें जल्दी जल्दी रिटर्न जो है वो ज्यादा मिले तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर प्रेशर रहता है कि आप रिजल्ट जो है वो दो ज्यादा से ज्यादा हमें डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर जो, का जो रिटर्न है वो चाहिए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में ये सब बाधा ला देती हैं कि आप उन सब चीजों में फोकस कर पाए तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है उनको देने का प्रेशर रहता है नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेबर थ्योरी ऑफ प्लांट लोकेशन वेबर की थ्योरी प्लांट लोकेशन को लेके क्या है वो हम देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बताना था आपको ठीक है इसके अलावा जो भी इसकी सिग्निफिकेंस है वो बतानी है आपको और क्रिटिसिज्म जो है वो सो इन दिस थ्योरी हैजेकर इन टू कंसिडरेशन फैक्टर दैट डिसाइड एक्चुअल सेटिंग ऑफ ऑफ इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर ये जो वेबर की थ्योरी है प्लांट लोकेशन मतलब ये इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होनी चाहिए कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग ये थ्योरी है कि कौन कौन से फैक्टर जो हमें हेल्प करेंगे कि हम एक्चुअली डिसाइड कर पाए कि हमें

ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कास्ट एंडिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो बैबर है उन्होंने बेसिकली यही बात की थी कि अगर हम ऐसी जगह प्लांट लोकेशन या हम इंडस्ट्री डालेंगे जहां पे हमारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो कम से कम है प्रोडक्शन कॉस्ट बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने की कॉस्ट है रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाने की कॉस्ट है या रॉ मटेरियल्स जब फिनिश में बदल जाते हैं उसको मार्केट में जाने की कॉस्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन की वो कम से कम आए इस जगह पे हम इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे तो इनके कुछ फायदे हैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट की कुछ क्रिटिसिज्म है तो कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या क्या बात की है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की है मतलब वेबर ने दो तरीके की इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करी एक इंडस्ट्री होती है जो वेट गेनिंग होती है एक होती है वेट लूजिंग वेट गेनिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड डैट वेट मोर आफ्टर प्रोसेसिंग दो टाइप के देखो इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी कि इंडस्ट्री ऐसी जगह ही सेटअप करेंगे जहां पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम से कम आए ठीक है तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दो चीज बात की है कि दो तरीके की इंडस्ट्री होती है एक वेट गेनिंग होती है एक वेट लूजिंग होती है वेट गेनिंग इंडस्ट्री क्या मतलब जो ऐसे गुड बनाती है जो प्रोसेसिंग के बाद उनका वेट क्या हो जाता है बढ़ जाता है जैसे स्टील है ऑटोमोबाइल है तो रॉ मटेरियल में उनका वेट कम रहता है जब वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में इंडस्ट्री तक लाए जाते हैं लेकिन जब इंडस्ट्री से वो तैयार होते हैं ठीक है तो फिर जब वो मार्केट में जाने के लिए तैयार होते हैं इंडस्ट्री में तैयार होकर मार्केट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते जाने के लिए तब उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में उनका वेट कम रहता है लेकिन फिनिश गुड्स में जब वो कन्वर्ट होते हैं उनका वेट बढ़ जाता है तो वो इंडस्ट्री क्या होंगी वेट गेनिंग वेट लूजिंग इंडस्ट्री क्या है मतलब जिसको बनाने जिस जब वो गुड प्रोड्यूस करती है तब उनका वेट लेस होता है जैसे टेक्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक पहले जो सामान आई हैं उनमें उनका वेट रॉ मेटेरियल के फॉर्म में ज्यादा था लेकिन जब वो बन गई प्रोसेस्ड हो गई अब जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका वेट कम है ठीक है तो दो तरीके की है अब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है जैसे वेट गेनिंग है अब वेट प्रोसेसिंग के बाद बढ़ा है तो अब उसको ले जाने में आपको क्या है ज्यादा ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्योंकि भारी सामान का कॉस्ट ज्यादा आएगा तो उस हिसाब से आप इंडस्ट्री का लोकेशन तय करोगे कि इसमें क्या है उन्होंने बताया कि ऐसी जगह फिर हम इंडस्ट्री डालेंगे जो मार्केट के नजदीक हो अगर वेट गेन गेन हो रहा है आपका प्रोसेसिंग क्योंकि भाई भारी सामान होगा तो मार्केट के पास होगी तो आराम से जल्दी पहुंच जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी और वेट लॉस है मतलब इंडस्ट्री बनने के बाद वेट लॉस हो रहा है रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा था तो रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा था तो ला, लाने में ज्यादा भाड़ा लग रहा होगा तो फिर रॉ मटेरियल के पास इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उस तरीके से उन्होंने लोकेशन डिसाइड करने बाते की बातें की हैं

रॉ uh, मेटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की क्या हो नजदीक हो मतलब उस हिसाब से हम सेटअप करेंगे अपनी पूरी लोकेशन को तो वेयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर रॉ मेटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट मिनिमाइज तो ऐसी जगह लोकेशन डालेंगे जहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो रॉ मेटेरियल के लिए और फिनिश प्रोडक्ट के लिए मिनिमाइज हो कम से कम है ठीक है तो ये थी इनका कॉन्सेप्ट कि इन्होंने किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने की बात करी है उसी हिसाब से इन्होंने इंडस्ट्री को सेटअप करने की भी बात करी है

प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती है बाय मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट दूसरा स्ट्रेटिक प्लानिंग मतलब कि ऐसे ही नहीं स्ट्रैटेजी के साथ प्लान करेंगे लोकेशन डिसीजन ऐसे ही नहीं कहीं पे जाके इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे बिल्कुल फैक्टर्स को इवेल्युएट करेंगे देखेंगे कहां पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है कम आ रही है कहां पे हमारा तरफ फायदा हो रहा है उस हिसाब से के साथ हम डिसीजन लेंगे कि हमें इंडस्ट्री कहा सेटअप करनी है ग्लोबल ऑपरेशन मतलब ये जो थ्योरी है वो मल्टी नेशनल ऑपरेशन जो ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट कर रही है उस पर भी रेलिवेंट है उनके लिए भी फायदेमंद है मतलब वो लोग भी कहाँ पे ग्लोबली अपने बिजनेस को सेटअप करना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं ठीक ठीक है हेल्प देम ऑप्टिमाइजिंग देयर सप्लाई चेन नेटवर्क एंड लोकेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज एफिशिएंटली मतलब वो लोग भी डिसाइड कर सकते हैं इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देख के बाकी जो भी फैक्टर वेबर ने डिस्कस किए उन सारी चीज़ों को नजर रख के कि उनको मल्टी नेशनली मतलब ग्लोबली अगर वो कहाँ भी किसी कंट्री में स्टेबलिश कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री तो कहाँ पे सेटअप करनी चाहिए तो ये था क्रिटिसिज्म क्या है वेबर की थ्योरी को लोगों के ने क्रिटिसाइज भी बहुत करी और लोगों ने कहा कि इनकी थ्योरी जो है yes. वो क्या है अनरियलिस्टिक एक्जन पे बेस्ड है मतलब कि कि क्रिटिक्स ने कहा कि ये जो एग्जेपन इन्होंने लिए हैं वो तो बहुत ही अनरियलिस्टिक्स हैं मतलब कि इट ओनली कंसिडर वेट एंड डिस्टेंस इन ट्रांसपोर्टेशन कॉल इग्नोरिंग अदर मतलब इन्होंने सिर्फ वेट की बात करी कि जहाँ वेट मतलब मान लो वेट ज्यादा है फिनिश प्रोडक्ट का तो हम ऐसी जगह सेटअप करेंगे जो मार्केट के पास होगी वेट कम है तो फिर हम, हम मार्केट से दूर कर सकते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाए तो इनका जो उन्होंने कहा इनका सारा जो कॉन्सेप्ट बस वो, वो खाली ट्रांसपोर्टेशन कॉट वेस्ट ही में जा रहा है कि वेट कितना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो बाकी सारी चीज़ों की तो बात ही नहीं की कि ऐसे जरूरी थोड़ी, थोड़ी ना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ डिस्टेंस की वजह से ही आ रही है या वेट की वजह से ही आती है भाई ट्रांसपोर्टेशन का टाइप क्या है सामान को ले जाने का मोड क्या है मान लो आप ट्रेन से ले जा रहे हो किससे ले जा रहे हो तो उससे भी तो कॉस्ट पर फर्क आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब है तो उस हिसाब से भी आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे उसमें फर्क आता है तो इन्होंने बोले कि इन्होंने बाकी सारी चीजों को इग्नोर मार दिया सिर्फ वेट वेट की बात की है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की अदरवाइज इन्होंने और चीजों को नहीं फोकस किया कि और भी चीजें हैं जो एक इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को आइडियाज अबाउट फिक्स पॉइंट ऑफ कंजेंशन इट इज आई डेट द आडिया डज नॉट वर्क वेल विद द मार्केट कंडीशन स्ट्रक्चर कंज्यूमर ऑलवेज इन्होंने क्या कहता, इन्होंने, कहता है इन्होंने वेबर ने वही भी एज्यूम किया था कि जो फिक्स पॉइंट है कंजम्पन के मतलब कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं जो कंज्यूमर हैं उनका एक मार्केट जो है वो फिक्स है वो वहीं पे ही अवेलेबल है बट ऐसा नहीं होता है आज के टाइम पे जो लोग क्रिटिक्स उन्होंने आर्ग्यू किया कि आज के टाइम पे मार्केट कंडीशन जो है वो इनके कॉन्सेप्ट के साथ सही से काम नहीं करती है आज का कंज्यूमर बहुत ही फैले हुए हैं पूरी कंट्री में ठीक है फिक्स नहीं है सेंटर कंज्यूमर सेंटर ऑलवेज शिफ्ट विदिफ्ट इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन देयर कैन बी नो फिक्स पॉइंट कोई फिक्स पॉइंट ऑफ कंजम्पशन नहीं कोई फिक्स मार्केट नहीं है मार्केट जो है वो हमेशा शिफ्ट होती रहती है जहां इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन ज्यादा है जहां पे भी लोग ज्यादा है जहां पे फैसिलिटीज ज्यादा है वहां पे कस्टमर स्विच कर जाते हैं मूव कर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कोई फिक्स पॉइंट ऑफ कंजन हिसाब से आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो मार्केट को देख के तो ये भी एक, एक किया गया इनको जनरलाइजेशन क्रिटिक थ्योरी मेक्स वेग जनरलाइजेशन ओवर लुकिंग नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन इंडस्ट्रियल लोकेशनिकल एंड सोशल फैक्टर एंड डिसीजन लोकेशन डिसाइड निगलेक्ट इन्होंने कहा कि जो इनका जनरलाइजेशन है जो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ उसको देख के पूरा सेटअप इंडस्ट्री कर रहे हैं और वेट को देख के इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं ठीक है उन्होंने यही बोला कि ये सारी चीजों में इन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर करने के अलावा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को इन्होंने इग्नोर कर दिया है जैसे कि किसी भी लोकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है वहाँ का कल्चर क्या है लोगों का वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस क्या है वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर क्या है इन सारी चीज़ों पर इन्होंने बात ही नहीं करी है इन सारी चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया है तो ये भी है कि रियल वर्ल्ड डिसीजन में इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके इन्होंने बातचीत की है इकोनॉमिक फैक्टर के बियॉन्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बियॉन्ड ये आगे गए नहीं है तो ये भी इनका एक क्रिटिक है

broad economic factor that influence industrial location this narrow focus limit the theory use uh, usefulness as failed to count the fail to account for the dynamic interplay between the cost price and technical cost matlab yahi hai ki inhone technical consideration pe bahut zyada burden de diya hai bahut zyada transportation cost technical aspect factors ki bare mein baat ki hai और जो नॉ और जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए हैं या फिर बाकी जो फैक्टर्स हैं जो एक लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं जज करते हैं प्राइस हो गया कॉस्टिंग हो गई ठीक है कि प्रोडक्ट के प्राइस कहाँ पे कम पड़ रहे हैं कम आए या फिर कहाँ पे हमारी कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं उस तरीके के अलग अलग जो भी फैक्टर्स हैं उनको इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये सारी चीज़ें इनकी भी थी टेक्निकल कंसिड्रेशन पे फोकस करना सही है लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस करना सही नहीं है ठीक है तो ये था आपका कि क्रिटिक क्या है इनके और कॉन्सेप्ट ऑफ बेबर थ्योरी तो ये हमने डिस्कस किया ये वाले क्वेश्चन को लास्ट जो आपका बचता है वो है रैशनलाइजेशन वाला कि क्या है रैशनाइजेशन उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके प्रिंसिपल तो ये हम देखेंगे और इसमें भी मैंने आपको वही बताया कि रैशलाइजेशन वाला जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन छः छः सात सात पॉइंट आपको उसकी एडवांटेज या जो भी आपको दिया हो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल उसमें आपको लिखने तो पहला रैशनाइजेशन होता क्या है मतलब क्या है बिजनेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में देखो इट रिफर्स टू द दिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ओवरऑल परफॉर्मेंस रैशनलाइज करना मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना ठीक है अब उसको और बेहतर बनाना उसकी एफिशियंसी को बढ़ाना उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना बाय रीऑर्गेनाइजिंग वर्कफ्लो वर्क फ्लो दोबारा से वर्क फ्लोज को प्रोसेस को रिसोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से ऑर्गेनाइज करके ताकि ऑप्टिमल आउटकम अचीव कर पाए जैसे आपका कमरा है आपने जिस तरीके से सेटअप किया आपको लग रहा है उस तरीके से हमारा ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है ज्यादा अच्छे से मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ फिर आपने क्या अपने पूरे कमरे की सेटिंग जो दो है दोबारा चेंज कर दी जिससे क्या हुआ अब आप इजिली चीज़ों को अचीव कर पा रही हो इजली चीज़ों को उठा पा रही हो ईजली चीज़ों के साथ आपका तालमेल पहले के इफेक्टिवली बढ़ गया है आप और अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो अपने एग्जाम्स में या कुछ भी मान लो अपने टेबल आपने दोबारा सेटअप कर ली जिससे आप आप चीज़ों को ईज़िली ले पा रहे हो आराम से ठीक है उसको बुक्स को आपके लिए ज़्यादा रीचेबल है आप ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस फील करो ज़्यादा आपका अच्छा इन्वायरमेंट हो गया वही होता है रैशलाइजेशन आपने कैफे वगैरह में भी देखा होगी कैफे जो है वो इंप्रूव होते रहते हैं बार बार उनकी सेटिंग चेंज होती रहती है या उसमें दोबारा से कलर पेंटिंग वगैरह या आज के ट्रेंड के हिसाब से उसमें चेंजेस लाना वही सब है रैशनलाइजेशन मतलब दोबारा से सिस्टमैटिकली प्रोसेस है एक इम्प्रूवमेंट का कि जो भी एफिशिएंसी एफेक्टिवनेस है ओवरऑल परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव करना कैसे दोबारा से अपने प्रोसेस को रिअरेंज करके दोबारा से वर्क फ्लो को अरेंज करके ठीक है ताकि आप बेटर रिजल्ट जो है वो अचीव कर पाओ ठीक है तो कंपनी का लेआउट भी बदल सकते हो

उनको देते जाएंगे उनको बार बार जाने जाने की जरूरत नहीं होगी तो यहाँ पे क्या क्या अपने एफिशिएंसी बढ़ जाएगी थोड़ा और मतलब वो वर्कर जो है वो जल्दी जल्दी काम कर लेगा वेस्टफुल प्रैक्टिस हो गई बार बार जो जा रहा था आ रहा जो समय बर्बाद था तो वो नहीं होगा अननेसेसरी स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे जो हर्डर थे वो हट गए तो इससे क्या हुआ आपका वर्क फ्लो तेज हो गया एफिशिएंसी बढ़ गई और क्विकली काम होने लग गया और टास्क अचीव होने लग गए तो ये एक ऑब्जेक्टिव है दूसरा है कॉस्ट रिड्यूस करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रेस्टेशन टू रिड्यूस कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन वालों जो लेबर है वो उसको सामान जो है वो ऊपर ले जाने के लिए लाने के लिए बार बार उसको जो है सीढ़ी चढ़नी पड़ रही है उसकी वजह से उसको थकान भी हो रही है ठीक है सामान भी टूट फूट रहा है तो आपको लगा कि ये चीज कम कर सकते हैं सेटअप कर सकते हैं नीचे ही गोडाउन जो है वो सेटअप कर देते हैं ताकि जो लाने ले जाने या उसको दिहाड़ी का भी पैसा जा रहा है वो कम हो जाए ठीक है तो उस तरीके से भी आपने जो चेंजेस कर दिए उससे आपकी कॉस्ट कम हो गई और आराम से एफिशिएंटली काम होने लग गया प्रॉफिट बढ़ गया ये भी एक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी को इम्प्रूव करना पहले आप जिस तरीके से गुड्स बना रहे थे आपको लगा उसकी क्वालिटी खराब आ रही थी अब आपने प्रोसेस को थोड़ा थो थो चेंज किया इंप्लीमेंट किया और क्वालिटी मेजर लेना शुरू किया तो अब प्रोडक्ट की क्वालिटी सर्विसेज जो है वो और बढ़ गई तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकती है जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा अच्छा क्वालिटी लेके क्वालिटी बढ़ेगी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ेगी उटपुट विध मिनम इनपुट रेनाइजेशन का काम क्या है कि वो ऑप्टोमाइज करे रिसोर्स का यूज मतलब जो भी ह्यूमन रिसोर्स है जो भी आपके लोग हैं ठीक है ठीके? जो भी आपके इम्प्लॉयज है उनका आप बेटर यूज कर पाओ अपने कैपिटल का बेटर यूज कर पाओ टेक्नोलॉजी का बेटर यूज कर पाओ जिससे क्या होगा आप बेटर आउटपुट जनरेट कर पाओगे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाओगे मिनिमम आउटपुट के साथ तो ये भी लाना कि रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन हो पाए लोगों को सही से यूज कर पाए कैपिटल को सही से यूज कर पाए ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है रैशनलाइजेशन का अगर आप चीजों को रीअरेंज कर रहे हो तो ये भी आप अचीव करना चाहते हो ठीक है जिससे प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़े अडेप्टिलिटी एंड फ्लेक्सीबिलिटी रैशलाइजन फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बाय क्रिएटिंग भाई आप चेंजेस कर रहे हो रीअरेंज कर रहे हो तो इससे क्या होगा आप जो भी आज की मार्केट में कंडीशन में चेंजेस आ रहे हैं कस्टमर की नीड बदली है उसके हिसाब से आप चेंजेस ला रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेन्यू में ला रहे हो या मार्केट कंडीशन के हिसाब से टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में या नई नई मशीनरी ला रहे हो तो उससे भी आपको क्या होगा फायदा होगा आपकी जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी कंपटीशन बढ़ रहा है ठीक है आप नहीं चेंज कर रहे हो तो कॉम्पिटिटर तो चेंज कर रहे हैं फिर आपको उस वजह से जो लॉस हो रहा है उससे आप बच सकते हो तो ये सारी चीज़ें क्या है एक ऑब्जेक्टिव होता है का कि वो एडोप्टिबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी ला पाए रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का फायदा आपको दे पाए क्वालिटी एनहेंस कर पाए ये सब चीजें प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल है कुछ जिसके बेसिस पे आप रैशनलाइज करते हो चीजों को रीअरेंज करते हो पहला प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन

एक ही काम को एक ही तरीके के टास्क को एक साथ कर दिए तो वही एक सीक्वेंस में हो जाएंगे और ऐसा नहीं रहेगा कि बार बार वही टास्क कोई ना कोई कर दे रहा है तो वो कम हो जाएगा डुप्लीकेशन कम हो जाएगा एक साथ सिमिलर टास्क को एक साथ ला देंगे और उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल डिपार्टमेंट हैंडलिंग सिमिलर फंक्शन ऑर्गेनाइज मर्ज इनटू है जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है जो सिमिलर फंक्शन को हैंडल कर रहे हैं तो भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे हैं रखें स्पेस भी जा रही है लोग भी अपने दे रहे हैं उनको भी सैलरी दे रहे हो तो ये काम करो उसको सबको जो एक ही काम को कर रहे हो उसमें एक ही डिपार्टमेंट बना दो और अब वही लोग एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारा काम जो है वो हैंडल करेंगे जैसे एक डिपार्टमेंट हो गया स्पेस भी कम हो गई बाकी स्पेस आप अलग चीजों में यूटिलाइज कर सकते हो और लोगों को भी कम सैलरी देनी पड़ेगी आज जो, जितने लोग चाहिए बस उतने लोगों को हायर करो उनको इतने में काम दे दो तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करो मतलब एक ही जैसे पैटर्न को फॉलो करो एक ही जैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो अगर आप पॉसिबल है कि एक ही लाइन में डील करने लग जाओ एक ही टाइप के प्रैक्टिस को फॉर्म करो इससे क्या होगा एफिशिएंसी बढ़ेगी एक ही तरीके की चीजें बना रहे तो कंसिस्टेंटली उसको काम करोगे तो इंप्रूव होगा क्वालिटी बढ़ेगी तो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल कर सकते हो कि यूनिफॉर्म प्रोसीजर या पैटर्न फॉलो करो मतलब यूज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कामों में स्पेशलाइजेशन वही है कि हर एक पर्सन को एक ही टास्क दो जिसमें क्या हो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाए और फिर वो बेटर दे पाए जैसे एक कंप्यूटर का काम है तो एक ही पर्सन को उसी कंप्यूटर में टाइपिंग का काम दे दे तो फिर से वो टाइपिंग का ही काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा वो बर रोड रो टाइपिंग करेगा तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा उसकी स्किल उसमें आ जाएंगी तो जो भी स्किल्स हैं जो भी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से जो भी इंडिविजुअल जिस चीज में बेटर हो उसको वही काम दे दो उसको वही चीज़ें दो वही वो परफॉर्म करे जिससे क्या होगा वो उसी को परफॉर्म करेगा तो वो जल्दी परफॉर्म करे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अफिशियंटली वो काम कर पाएगा सिम्प्लीफिकेशन क्या है जो भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी uh, है आपके वर्क में जो भी आपका काम है जो बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स है ठीक है या फिर ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उनको सिंप्लीफाई कर दो या तो बहुत ज़्यादा काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो लोगों को दे दो तो सिंपलीफाई करके आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो और एफिशियसी को इम्प्रूव कर सकते हो नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन वही है कि अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करना ऑटोमेशन जितना ज़्यादा हो सके ऑटोमेटिक सिस्टम कर दो ठीक है मशीनरी को परफॉर्म टास्क मोर एफिशिएंटली जिससे क्या होगा मैग्नाइजेशन में जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे ऑटोमेटाइजेशन कर दो ऑटोमेशन कर दोगे ठीक है टेक्नोलॉजी के थ्रू काम ज्यादा करवा रहे हो गे लोगों के थ्रू कम तो ऑटोमेटिक कर दोगे जिससे लोगों पे भी काम जो है वो बर्डन ना आए सामान को उठाने उठाने का काम जो है मशीन कर रही है लोग नहीं थक रहे हैं तो उसके थ्रू भी आप रिओर्गनाइज कर सकते हो बाई एफिशिएंटली चीजें हो जाएंगी एक्यूरेटली काम हो जाएगा और लोग करेंगे तो लेबर करेंगे तो समय लगेगा ऐसे ईजिली परफॉर्म हो जाएगा और लेबर को कहीं और लगा सकते हो तो इसका भी फायदा है नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन यही कहता है कि जो भी आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर फोकस करो उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी है वो अपडेट करते जाओ ठीक है चेंजिंग इन्वायरमेंट के टूवर्ड अडॉप्ट करो अपनी प्रैक्टिस को ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव होगा इससे आपकी और जो भी है डिजिट प्रोसेस uh, है उसको डिजिटलाइज कर सकते हो ठीक है आज आपको लग रहा है इनोवेशन है टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर सकते हो डिजिटल स्क्रीन के थ्रू अपने ऑर्डर ले सकते हो रिसीव कर सकते हो ठीक है तो वो सब चीज़ें करो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो मॉडर्नाइजेशन सस्टेनेबिलिटी ये सारी चीज़ें के प्रिंसिपल जो है वो फॉलो कर सकते हो तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रैशनलाइज तो गाइज ये हमने पढ़ा है जो आपका स्... लास्ट यूनिट थे जिसमें आपको फोर में दो करने थे बेसिक चीज़ ये है कि आपको इस तरीके के डायग्राम फॉलो करके पूरा प्रेजेंटेशन के साथ अपने जो भी टॉपिक्स उसको लिखने हैं तो यहाँ पे हमने पूरा पेपर जो है वो आपका सॉल्व करके दिखाया है आपको तो आई होप आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाए होंगे ठीक है तो यह था आपका क्वेश्चन पेपर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे वो दूसरे सब्जेक्ट का होगा तो उस सीरीज़ को आपको फॉलो ही करना है अब ठीक है गाइस इस सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ चलिए पूरी शेयर कर दीजिए जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत आप थोड़ी करिए ठीक है शेयर करके और बाकी आपको पूरी मेहनत इसलिए करनी है कि आप पूरे इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाओ रिवाइज करके जाओ वेबसाइट को विजिट करो प्लीज़ वहाँ पे अपना जो तो भी सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है फॉर्म फिल करना है वो फिल करिए आप ठीक है सपोर्ट करिए इतना आप कर पाएँ तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन बताएंगे कि इस तरीके की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और क्या सजेशन आपके लिए और है आपके पास मेरे लिए कि मैं उस चीज़ पर काम करूँ सो उसको भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू